राधा माधव तुंगवी जय राधा मधंगव्या गुपीदन वल्लभ श्रीवर रा

संतरा की, भले भगवान् हर नाम संकेतन की, श्री जगन्नाथ बलदेव बद्रा महारानी की, श्री श्री गाउड मिताई की, श्रीला प्रभुपाद की, ओम ज्ञान तन्मिरण दश्यानं अंजल शाला कया चक्षुक वन मेलितम् जय श्री गुरवे नमः श्रीचायतन्य मनोभिष्टम् तंग स्तापितम् जय न भूतले वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतं न देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रगायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीयद्वैतकदादर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आइए आप सब भक्तों का स्वागत हम ये माल्ट प्रोग्राम में आ, हम लोग पहले कोर्स पूरा करके अभी दूसरे कोर्स में प्रवेश किया है तो आपको सर्वप्रथम माल्ट का सलेबस में जाकर हम लोग देख लेंगे कि किधर तक हम पहुंचे हैं हर बार मैं दिखाता हूं क्यों क्योंकि हमें पता चलना है कि चाहे कि क्या हम रेगुलर पेस पकड़ पा रहे हैं किधर देख सकते हैं आप कोर्स वन पूरा किया हमने सेल्फ मैनेजमेंट उसमें सत्रह टॉपिक्स थे दूसरे कोर्स में कुल मिलाकर पंद्रह टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग अभी तीसरे टॉपिक में हैं ऑन डीलिंग एक्सपर्टली विथ सुपीरियर्स इक्वल्स एन जूनियर्स पिछले हफ्ते कर नहीं पाए अभी हम कर रहे हैं ठीक है पर so, पॉइंट में जाएंगे अभी हाँ ये टॉपिक है मॉल्ट कोर्स टू टॉपिक थ्री ऑन डीलिंग एक्सपर्टली विथ सुपीरियर्स इक्वल्स जूनियर्स इसमें मैं दो तरीके से इस टॉपिक को मैंने चर्चा किया है पावर पॉइंट में एक है हम वैष्णव सदाचार के आई, अनुसार हम लोग वरिष्ठ समा और कनिष्ठ भक्तों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले बाद में मैनेजर के दृष्टिकोण से लीडर के दृष्टिकोण से हम लोग सीनियर के साथ इक्वल के साथ जूनियर के साथ कैसे हम डीलिंग करें दोनों का वर्णन आपको मिलेगा इसमें ठीक है तो पहला पॉइंट है क्या क्या फैक्टर्स हैं जो भक्तों के बीच में हाँ, प्रीति लक्षण को बढ़ाता है जैसे आप इधर तस्वीर में देख रहे हैं चैतन महाप्रभु रामानंद राय के बीच में प्रीति लक्षण था हाँ? बहुत प्रेम के साथ आदान प्रदान की उन्होंने इस तरह हम लोग भक्तों के समूह में रहते समय किस किस विषय के ऊपर हमें जोर देना चाहिए जिससे प्रीति बढ़ेगा भक्तों की ओर हम्म सर्वप्रथम बताते हैं कि निस्वार्थ संबंध होना चाहिए अगर हम निस्वार्थ भावना के साथ अगर हम सेवाएं देते हैं तब हमारे चित्त का शुद्धि जल्दी हो जाता है हु? कुछ स्वार्थ इच्छाओं को लेकर अगर हम सेवा करने के लिए आए हो, हु? तब शुद्धिकरण कम है उसमें जैसे अगर कोई सोचता है कि मुझे पता ही मिल गया है लोग मुझे मान सम्मान देना चाहिए मैं श्रेष्ठ हूँ मैं बड़ा हूँ सब कर्म काम में बेहतर करता हूँ दूसरों से हाँ। इस तरह लोग हमारा नाम लेंगे लोग हमारे बारे में चर्चा करेंगे हमारा नाम अनाउंसमेंट होगा इस इत्यादि की अपेक्षा के साथ अगर कोई सेवा दे रहा हो तो उसको फ्रूटी मेंटालिटी बोलते हैं अंग्रेजी में फलाकांक्षी तो फलाकांक्षी लोगों की शुद्धिकरण थोड़ा धीरे से होता है और भी कुछ लोगों का अपेक्षा होता है एक <laughs> व्यक्ति था वो क्या करता था उसको आल्टर में प्रवेश करके फेस्टिवल के दिन आरती उतारने का भगवान को क्यों क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पास जो भी लोग हैं उनको उसको दिखाना था कि मैं खास आदमी हूँ इस कम्युनिटी में फेस्टिवल के दिन में भी मैं मेन डेटी जो है उनकी मैं आरती उतारूंगा इसलिए आप लोग मुझे गंभीरता से लो और मेरे बात मानो हम भी बड़े एक नेता हैं और जब हम कुछ बोलते हैं करते हैं तो हमको सुनना पड़ेगा आपको इत्यादि के लिए वो बोला एक बार ऐसे कि थोड़ा हम लोगों को इस तरह हम करना पड़ता है तब तो लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं इसका मतलब है वो कमजोर आदमी है क्योंकि वो बाहरी दिखावा से दाम्भिकता से वो मान सम्मान को अर्जित करना चाहता हो ये फलाकांक्षी है ऐसे लोगों को शुद्धिकरण जल्दी नहीं होगा धीरे से होगा तो इसी तरह ये तो सेवा के बारे में बोला मैंने सेवा करते समय से हेतु के बिना करनी चाहिए इसका मतलब नहीं कि हेतु है ही नहीं हेतु है लेकिन हेतु क्या है चित्त की शुद्धि गुरु की प्रीति बस मेरी चित्त शुद्ध होना चाहिए और गुरु महाराज तृप्त तो हो जाना चाहिए बस गुरु को महाराज तृप्त का तो मतलब कृष्ण भी तृप्त इस अपेक्षा को छोड़कर अगर कोई बोलता मैं सेवा करता हूँ कि अच्छा लगता है मुझे वह मतलब नहीं उसे कोई बोलता है सेवा मैं करता हूँ क्योंकि लाइम लाइट सेवा है प्रोमिनेंट सेवा है नहीं तो कोई बोलता है कि मैं सेवा करता हूँ क्योंकि मुझे एक पद भी दिया जाएगा मैं तो ये सेवा करूंगा तो खुद का गाड़ी दे देंगे मंदिर में कुछ <laughs> भी हेतु तो के साथ नहीं करना चाहिए ऐसे निस्वार्थ भावना से करने से उसका असर दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा हमारे चित्त भी शुद्ध होगा गुरु भी तृप्त होंगे तो संबंध जोड़ते समय भी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए ऐसे बताया गया तीन पॉइंट बताया गया देखिए रेस्पेक्ट लव ट्रस्ट ये तीन चीज को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रीति लक्षण भी बढ़ सकता है इसके द्वारा मतलब है सर्वप्रथम सब जीवों को आदर देना चाहिए दूसरा है प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए उनके साथ कभी नाराज ना हो जाना अनावश्यक आवाज नहीं उठाना देखिए प्रेम से समझाना प्रेम से बताना और छोटे भक्तों को भी छोटा बड़ा भक्ता गाना वंदो सवार चरण ऐसे बताते हैं कविराज गोस्वामी छोटा बड़ा भक्ता गाना बोलते हैं छोटे भक्तों है बड़े भक्तों सबको मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे मैं विनती करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद करो कि मैं पूरा कर पाऊंगा ये चेतन सीता अमृत को से बताते हैं छोटा बड़ा भक्त गाना और ट्रस्ट का मतलब है विश्वास विश्वास पात्र बनना सब वैष्णवों के नजर में विश्वास पात्र बनना चाहिए हमको विश्वास भी रखना चाहिए विश्वास पात्र भी बनना चाहिए हमारे आदतों के द्वारा कब हम विश्वास पात्र बनेंगे जब हम वचनबद्ध रहते हैं वचन दिया उसको पूरा किया ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया ऐसा नहीं है वचनबद्ध रहना कोई कंप्लेंट करता है कोई कुछ कुछ मैनेजर लोग का आदर है अरे ये लोग बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं उनको सुनो मत भूल जाओ भगा दो उसको ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है कोई फीडबैक लेकर आ रहा है थैंक यू प्रभु बहुत आप जैसे वक्त लोग फीडबैक नहीं देंगे तो हम मैनेजर्स को कैसे पता चलेगा प्रोजेक्ट में सुधार कैसे लाया जा सकता है फीडबैक लाने वाले को महाप्रसाद देना चाहिए उसको स्पेशल महाप्रसाद चाहिए उसको तो और फीडबैक आएगा वो खुश होकर जाएगा अरे दस लोगों को बोलेगा कि अरे तुम मंदिर के लिए सुझाव दो तुमको महाप्रसाद मिलता है इधर हाँ तो हम लोग स्वागत दोनों खुले हाथों के साथ उनको स्वागत करने चाहिए फीडबैक देने वालों को तो क्योंकि वो प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए शुद्ध शुद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो भी ऐसे ही लोग बाद में नेता बनेंगे ऐसे ही लोग चाहिए हमको इसलिए तब जनता का विश्वास बढ़ेगा हमारे ऊपर बोलेंगे कि नेता सही नेता हा? ये डरता नहीं कुछ फीडबैक देंगे तो चिल्लाता नहीं डरता नहीं सुनता है सुधार लाने के लिए तैयार है तो वो विश्वास को बढ़ाता है दूसरा चीज है पैसे के मामले में स्त्री पुरुष के मामले में अगर लोग देखते हैं कि ये चरित्रवान आदमी है कुछ गोलमाल नहीं करता है तो लोगों को विश्वास बैठ जाता है अगर किसी को कुछ उपदेश देना हो आप बोलते हैं प्रभुपाद जी ने बोला है इसे इसलिए आपको करना चाहिए विश्वास बैठ जाएगा उनको ठीक है ये मनोधर्म के अनुसार कुछ बोलता नहीं प्रभुपात जी जो बोलते हैं वही बोलता है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर आधारित हमको समझ आता है ऐसे लोग बोलेंगे उससे लोगों को विश्वास बढ़ेगा अगर हम अनासक्त होते हैं हम्म अनासक्त मतलब है हु? मेरे अनुयायी मेरा असर लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए इस तरह की अपेक्षा के बिना अगर कोई निरपेक्षित होकर वक्त में सेवा में तृप्त हो लोगों को विश्वास बढ़ता है उसके ऊपर ऐसे और अगर कोई व्यक्ति सालों साल पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल ठीक है रहता है छोड़ता नहीं है सेवा भी दिया है शांति से भक्ति कर रहा है विश्वास बढ़ जाता है कंसिस्टेंसी उससे विश्वास बढ़ता है अब देखेंगे ऐसे तो इन चीजों के द्वारा यह तीसरा चीज ट्रस्ट रेस्पेक्ट लव ट्रस्ट ये हमको दिनों देना भी चाहिए दूसरों से हमको प्राप्त होना भी चाहिए जैसे रेस्पेक्ट लिखा है रेस्पेक्ट का मतलब है हमें दूसरों को आदर देना चाहिए हम ऐसे आदर देना चाहिए कि लोगों को हा, हा, हाँ तो लोगों को हमारे ऊपर भी आदर स्वाभाविक रूप से हो जाएगा अगर हम आदर दे तो, तो लोग भी आदर देंगे सकले तो सम्मान को रित्य शक्ति देखो नाता सब जीवों के को आदर देना चाहिए हमें छोटे बड़े सबको तो वो भी प्रेम से वापिस आदर देंगे वो भी और लव हमें प्रेम बरसाना चाहिए भक्तों के ऊपर तो अनेक भक्त हमारे ऊपर भी प्रेम दिखाएंगे आप देख सकते हैं जैसे गेंद को तो दीवार के ऊपर फेंकी गेंद आ जाता है आपके हाथ में इसी तरह हाँ प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा ऐसे हाँ। और ट्रस्ट अगर आप विश्वास दूसरों के ऊपर रखते हो तो वो भी वो आपके ऊपर विश्वास रखेंगे इस तरह हम लोग ये तीन जो बताया गया गुण इसका वर्धन करने से प्रीत लक्षण बढ़ेगा शास्त्र बताते हैं तो इसके बारे में पहले चर्चा हुई है आदर के बारे में फिर भी एकदम क्विकली हम ये पॉइंट्स बोल देते हैं ट्रीटिंग पीपल वार्मली लोगों को प्रेम से बातचीत करना गिविंग दम स्पेस टू ग्रो स्लोली कुछ कुछ वक्तों के लिए समय लगता है आगे बढ़ने के लिए हम उनको टाइम देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लिए. और allowing them वाट दे लाइक टू बी कुछ कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जैसे अलग नम ऑडियल एक्टिविटी का मतलब है कोई गिटार लेकर आता है उसको बजाना आता है अगर हम डांट देंगे उसको अरे गिटार नहीं बजाया जाता है सिर्फ मृदंग करता है तो गिटार के साथ खुद भी भाग जाएगा भक्त नहीं बनेगा वो हाँ कभी कभी हम बोलते हैं ठीक है आपको गिटार आता है तो आओ स्टेज प्रोग्राम में कभी योग का कार्यक्रम में गिटार बजाता है कुछ तो समय के लिए बाद में वक्त में आगे बढ़ जाएगा वो इस तरह लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए शोइंग कट सी वाइल डीलिंग विद पीपल कोई भी कुछ भी थोड़ा भी सेवा करता है उसको थैंक यू बोलना आपने अच्छा किया सेवा और आपसे हम तृप्त हैं भगवान आपकी भलाई करे आपको भगवान आशीर्वाद दे इस तरह बात करने से लोगों को अच्छा लगता है उनको आदर मिला है तो अगली बार वापिस आकर सेवा मांगेंगे वो लोग देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। आदमी बड़ा है लेकिन वो छोटे लड़के को भी आदर दे रहा है वो। उसको एक व्यक्ति सोचकर उसको आदर देकर उसके साथ सही ढंग से बर्ताव कर रहा है हमको ये भी सीखना चाहिए सेंसिटिविटी इन डीलिंग सुपीरियरिटी हम लोगों को संवेदनशील होनी चाहिए लोगों के साथ डीलिंग करते हैं उदाहरण के लिए हम लोग एक बार साढ़े चार से साढ़े छः तक ट्रेन में मंगलाती पूरा किया सॉरी चैंटिंग पूरा किया तो जपा होने के बाद तुरंत ही एक भक्त साढ़े छः बजे करता लेकर बजाने लगा हम संसार दावा गाने लगा यानी कि सो रहे थे ट्रेन में कोई ब्लैंकेट ऐसे डाक सो रहा था तो तुरंत उठ गया बोला हे hey, आवाज़ बंद करो आप लोग क्या है डुम ढुम सुबह चालू कर दिया हम लोग हम लोग सोए हुए हैं क्योंकि लोग सोते हैं एक बजे दो बजे सोते हैं ट्रेन में हैं सुबह उठ उठ नहीं पाते हैं जल्दी हम जैसे तो हमारे भक्त को बोल रहा था कि बहू जी शिवासांगन में भी जब कीर्तन होता था लोगों ने मना किया लेकिन वहाँ बोला नहीं छोड़ो मत <laughs> करते जाओ हाँ हम क्यों रहे ये तो सो सोने वाले जीवात्माओं को जगाना हमारा काम है हां? वो उसको चला रहा अरे तुम हमको कोस रहे हो तुम उठ जाओ मुंह धोकर आओ भाई मंगला मंगलारती करो वो बोल रहा है वो लोग आओ नाराज हो गए अरे हमको नींद आ रहा है हमको उठो बोलते हो तुम कौन हो वो हमको उठाने वाला है क्या तुमने हमको सीट खरीद कर दिया क्या है वो चला रहा है इसे है तो हम लोग इस तरह लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए अगर वो बोल रहे हैं चला रहे हैं तो मैंने भक्तों को बोला कि सब लोग ट्रेन में उठने के बाद आप लोग मंगला मंगल करो आठ साढ़े आठ बजे ऐसे हमने भक्तों ने बोला प्रभु जी इतना आप दूसरों के बारे में चिंता क्यों करते हैं प्रभु जी सब लोग कर्मी लोग हैं मैंने बोला अरे कर्मी कर्मी बोलते हो हम भी कर्मी थे पहले हैं? बाद में ही भक्त बने हैं तो हमको ऐसे सोचना चाहिए कि बाकी जो भी हो ट्रेनिंग अगर हम सही ढंग से बर्ताव करेंगे तो वो लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे संवेदनशील होना अपने को बड़ा अपना बड़ापन नहीं करना अपने बारे में अवॉइड इंस्ट्रक्टिंग टोन एंड मोड तो हम लोग दूसरों को बड़े उपदेशक के रूप में उपदेश नहीं देना चाहिए हम लोग एक मित्र के रूप में प्रेम से समझाना चाहिए उनको जैसे प्रहलाद ने अपने मित्रों को समझाया प्रेम से इसका मतलब है इसका मतलब है कि कभी कभी वक्तों से छोटा छोटा गलती हो जाएगा उनको भूल जाना चाहिए जैसे कभी हो ही जाता है किचन में कोई काम कर रहा है थोड़ा धड़ाम करके कुछ बर्तन गिर गया कुछ आपने जो पदार्थ बनाया वो गिर गया नीचे थोड़ा नहीं तो कुछ टूट गया कुछ खो गया ऐसे चीजें होते हैं इस दुनिया में इसने कुछ सामान कहीं रख दिया वो भूल गया वो चोरी हो गया वो नहीं तो कुछ चीजें टूट जाते हैं तो रसोई में कभी कभी कुछ गलती हो जाता है किसी का तो इस तरह हम लोग उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो सेवा देने के लिए आया है वो बेचारा उसको जोर से डांट देंगे तो आगे अगले बार नहीं आएगा वो सेवा करने के लिए और दूसरा है दूसरों के दूसरों को देख कर अनुमान ही लगाना चाहिए कि ये कर्मी देख रहा है तो भक्त नहीं बनेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए नॉट टू हैव नॉट हैव टू मैनी एक्सपेक्टेशंस नए नए भक्तों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए अगर नए भक्त आता है कोई प्रसाद खाता है hmm. नाम जपता है कीर्तन में नाचता है बस बहुत हो गया खुश रहना चाहिए हमको ठीक है थोड़े बड़े होने के बाद सेवाओं में जुड़ेगा वो hmm. तो कभी कभी हम लोग ज़्यादा ही अपेक्षा करते हैं दूसरों से <laughs> मान लीजिए अगर कोई शिशु चार वायस का है माँ के गोद में लेटा है वो ऐसे अगर माँ अपेक्षा करेगी कि ये कम कुछ दुकान में जाकर कुछ खरीद कर सामान लेके आना चाहिए ग्रोसरी लाना है मार्केट में जाकर कर सकता है वो बच्चा है चार वायस का क्या कर पाएगा बच्चा उसको मालूम ही नहीं किधर जाना है बाहर इस तरह हम भक्तों में भी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आगे बढ़ने के लिए उसके बाद ही उसके बाद वो लोग सेवा दे पाएंगे शुरुआत में हरेक को टाइम लगता है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में मैंने एक कहानी सुना मेरे गुरु महाराज बता रहे थे एक पौधा होता है वो छोटा होता है पहले कोई बकरा आता है उसमें खाने के लिए तो पौधा माली बोलता है नहीं, नहीं मत काओ मत काओ बोलता है कोई लकड़ी काटने रहता है मत काटो मत मत काटो बोलता है कोई पत्ते निकालने के लिए आता है मत निकालो मत निकालो बोलता है लेकिन वो वही पौधा बड़ा होने के बाद एकदम बड़ा पेड़ हो गया तब सबको बोला उसने बोला बकरी को जितना कहना का है काओ जितना गडाली काटना है काटो जितना पत्ते लेना है ले लो क्योंकि बड़ा हो गया अभी इससे निकलते रहेगा निकलते रहेगा इससे उसको कुछ चिंता नहीं इस तरह हम भी भक्तों को थोड़ा आगे बढ़ने दे भक्ति में आगे बढ़ने के बाद भक्त लोग बहुत बड़ा विशाल वटा वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देने की क्षमता आ जाएगा उनमें गुरु की कृपा से तो इसलिए हम लोग शुरुआत में हमारी अपेक्षाओं को कम करेंगे शुरुआत का मतलब क्या है मंदिर में आने वाले लोगों में अनेक श्रेणी के लोग होते हैं कुछ लोग सिर्फ डोनेशन देकर निकल जाएंगे वो शुरुआत के लोग हैं कुछ कुछ लोग थोड़ा सेवा देकर निकल जाएंगे हमें तृप्त रहना चाहिए कि कम से कम थोड़ा सेवा दे रहा है कम से कम और इस तरह जो भक्त परिपक्व होने के बाद और बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में सेवा देंगे और आगे पॉइंट बताया गया कि नॉट एक्सप्ला तो हम लोग भक्तों का आदर देना चाहिए कि उनसे हमारी खुद की सेवा नहीं लेनी चाहिए मेरा पाँव दबाओ दुख रहा है पाँव दुख रहा है मेरा हाथ तो दबाओ हाँ सर नहीं तो मेरे लिए मेरे परिवार के लिए ये लेकर आओ कुछ -कुछ प्रचारक अपने परिवार की सुविधा के लिए कुछ अपने छोटे नए भक्तों को लगाते हैं सेवा में कभी कभी हो सकता है एक आधबार आपके परिवार वाले आपसे बोल रहे हैं कि हेल्प चाहिए लेकिन इसको लगातार एक दूसरे से हमें सेवा नहीं लेनी चाहिए कुछ कुछ लोग आदत है यात्रा में और जी मुझे एक प्लेट बना दो प्रसाद वो अलग अलग लोग अलग अलग सेवा दे देते हैं ऐह <laughs> प्रभु जी मुझे एक बाटल ले पानी लेकर आओ ए प्रभु जी एक प्लेट बना दो प्रभु जी इसको टिकट को बनाओ टिकट बुक कर दो मेरे लिए तो कुछ दस दस लोगों से वो सेवा लेते रहते हैं सेवा नहीं लेना चाहिए हमको हमें सोचना चाहिए कि जब तक हाथ पैर है हमारे पास भगवान ने दिया है जो हम हाथ पैर से कर सकते हैं खुद ही करना चाहिए जब हमारे हाथ पैर से कुछ काम हो नहीं सकता तब हम उसमें से विनती कर सकते हैं हम इस तरह ये सब आदर के बारे में अभी देखिए प्रेम के बारे में लव प्रेम महा चैतन महाप्रभु और उनके निकट पार्षदों के बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम था उदाहरण दिया है इधर ये <laughs> ये क्या है ये बात है बात जब चैतन महाप्रभु प्रवास के लिए जाने वाले थे तब जयप्रभु ने आकर बोला कि महाप्रभु आप अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी आप बेहोश होकर गिर पड़ते हो हा? नहीं तो आपको एक हाथ में कमंडलो है दूसरे हाथ में गिर रहा आपको गिनते रखना है और कपड़े इत्यादि लेकर जाना है आपको जरूर एक एक सेवक की जरूरत पड़ेगा ऐसे बोला नित्यानंद ने अंत्यानपुर नित्यान बोले कि मैं भारत में दस दस बारह साल में घुमा हूं सब तीर्थ स्थलों को जानता हूं अगर आप मुझे लेकर देकर जाना चाहते हो तो ले सकते हैं आप अम्त्यानपुर बोला महाप्रभु बोले नहीं नहीं नित्यानंदा आपको लेकर गया मैं दंड भंगा नदी में आपने मेरे दंड को लेकर तीन तीन स्थान में उसको तोड़ दिया आपने तोड़कर फेंक दिया हुँ? बाद में मैंने पूछा आपको मेरा दंड किधर है सन्यासी दंड आपने बोला कि मैं आप प्रेमा में नीचे गिर पड़े दंडा भी टूट गया आपने बोला ऐसे ऐसे झूठे बोलकर मुझे दंडे को आपने गायब कर दिया हुँ? तो आपको मैं नहीं लेके कि जा सकता ऐसे बोले वहां फिर महाप्र बोले मुकुंद को भी मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुकुंद क्या करता है मैं अगर कूदता हूँ कीर्तन में और नीचे गिरता हूँ जमीन में तो मुकुंद ऐसे रोता है वो जोर से भी नहीं रोता है ऐसे थोड़ा ही आवाज आता है ऐसे उसका रोना देखकर मुझे भी रोना आता है तो वो क्यों इतना सहन नहीं कर पाएगा मेरे तपस्याओं को देखकर कर हां? और महाप्रभु पर वो बोले कि मैं जगदान पंडित को भी नहीं ले के लेके जा सकता क्योंकि जगदान पंडित हमेशा सोचता है मेरे ऐश्वर्य को कैसे बड़ा है रात को सोने के लिए जाता हूँ मेरे लिए इतना बड़ा बिस्तर लेके आकर बिजाता है मुझे सोने के लिए मैं पूछता हूँ उसको अरे मैं तो सन्यासी हूँ सन्यासी कैसे सो सकता है इतने बड़े बिस्तर में है तो मुझे जमीन में सोना चाहिए कभी कभी वो सुगंधित तेल लेकर आता है जगदानंद हाँ मुझे तेल से मालिश का कर लीजिए आप अपने आप को ऐसे बोलता है तो मैं तो बोला उसको अरे जगन्नाथ को अर्पित कर दो इस तेल को मुझे नहीं चाहिए तो जगन्नाथ पंडित को अगर मना करेंगे तो नाराज हो जाता है नहीं तो आश्रम देना चाहता है मुझे सुख सुविधा देना चाहता है इसलिए ऐसे सेवक मुझे नहीं चाहिए उसे सुविधा ले लेकर में संन्यास धर्म को भूल जाऊंगा ऐसे वाले महाप्रभु बाद में महाप्रभु बोले कि सरक मैं नित्यांत को नहीं लूंगा जगंद पंडित को नहीं लूंगा मुकुंद को नहीं लेके जाऊंगा अलग अलग नाम लिया महाप्रभु ने इसे ये सब लोग नहीं लेके जाऊंगा साथ में मतलब क्या है महाप्रभु उन के अंदर कुछ दोष देख रहे हैं लेकिन वो दोष नहीं है उन वो कितना महाप्रभु का प्रेम करते हैं उसके बारे में दामोदर पंडित के बारे में बोला महाप्रभु ने ये दामोदर पंडित जो है है ब्रह्मचारी है और मैं हूँ सन्यासी लेकिन हमेशा हाथ में डंडा लेकर कड़ा है थोड़ा भी मैं इधर उधर कुछ बोल दिया कर दिया तो डंडा लेकर मुझे करेक्ट करेगा वो आ, सु, मुझे सुलझाएगा तो उन्होंने बोला कि दामोदर पंडित जो है ऐसा हुआ एक बार एक विधवा थी बहुत अति सुंदरी थी वो अपने बेटे के साथ आती थी, थी वो छोटा तो बच्चा तो बच्चा महाप्रभु से उसको बहुत अटैचमेंट हो गया बच्चे को बच्चा जाकर महाप्रभु के निकट बैठता था महाप्रभु उसको आलिंग, आलिंगन करते थे प्रेम से बात करते थे महाप्रभु को लगा कि ये बहुत सुंदर बा, बालक है इसको देख मुझे कृष्ण का याद आ रहा है मुझे हाँ इस तरह महाप्रभु सोचते थे तो वो भी लड़का रेगुलर आता था क्योंकि महाप्रभु ने प्रेम दिया उसको तो वो भी प्रेम प्राप्त प्रेम प्राप्त करके रोज प्रेम की अपेक्षा के साथ वो भी लड़का आता था रोज लेकिन दामोदर पणित देख रहा था महाप्रभु को बोला देखिए महाप्रभु ये छोटा बच्चा आ रहा हा के है आपके पास ये बड़ा कतरा है महाप्रभु पूछा क्यों देखिए ये है आपके साथ दरवाजे में खड़ी उसकी माँ विधवा विधवा नारी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा है क्या आपने उससे क्या प्रॉब्लम है वो बोला लोग कुछ बुरा भला बोलेंगे लोग बोलेंगे कि अभी आप बच्चे को बहुत प्रेम दे रहे हो क्योंकि उसके माँ भी साथ में आएगी माँ को देखना है आपको माँ के साथ समझ जोड़ना है इसलिए बच्चे को आप अप्रेन दे रहे हो ऐसे लोग बोलने की संभावना है ऐसे बोला दामोदर ने वहां पर है क्या मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में ठीक है दामोदर कल से अगर ये बच्चा आएगा तो उसको मना कर दो मैं बात नहीं करूंगा लेकिन महाप्र ने बाद में दामोदर को डांटा भी वहां <laughs> पर बोले कि ये दामोदर तुम ब्रह्मचारी हो सन्यासी को गुरु को उपदेश देना तुम तुम्हारे सर पर तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो बाद में डाट। तो डाटे बोल रहे थे कि दामोदर को मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो छोटे छोटे के लिए भी वो तांडव करेगा सहन नहीं कर पाएगा और वो इस तरह मेरे साथ बर्ताव करेगा तो इस तरह महाप्रभु एक भक्त के बारे में बोल रहे हैं ना। ना। ये महाप्रभु का स्वभाव तो है प्रेम का स्वभाव तो हरेक के ऊपर गरिष्ठ प्रेम है महाप्रभु का इसलिए लग रहा है कि वो क्रिटिस कर रहे हैं बोल रहे हैं कि जगदान पंडित चाहता है मुझे सुखी करने के लिए दामोदर पंडित मुझे मेरे चरित्र को सुधारना चाहता है और नित्यान प्रभु हमेशा मेरे साथ लीला करके आनंद लूटते हैं मुझे आनंद देते हैं इस तरह हरेक के बारे में महाप्रभु एक इनडायरेक्ट परोक्ष रूप के रूप में ऐसे उनकी गुणगान किया महाप्रभु ने ऐसे और पॉइंट बताया गया आ, एक बार आचार्य प्रभु उनके घर में चंद्र महाप्रभु को बुलाया था प्रसाद के लिए उनकी इच्छा थी कि सिर्फ महाप्रभु प्रसाद ले ताकि मैं उनको अच्छे तरीके से उनको प्रसाद परोस पाऊंगा नहीं तो अगर 20 20 भक्त लोग आ जाते हैं सबके ऊपर ध्यान देते देते महाप्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा ऐसे उन्होंने इच्छा की तो महाप्रभु ने अंदर अंदरूनी बात समझ लिया समझ लिया महाप्रभु ने क्या किया उन्होंने जब पहुंच महाप्रभु अबरिफ के पास तुरंत तो जोरदार बारिश चालू हो गया बाहर बाकी सब लोग आने की प्रोग्राम था उनकी कोई आ नहीं पाया इसलिए महाप्रभु को अकेले अच्छे तरीके से प्रसाद परोस कर आनंदित हुए इस तरह है। अगर हम किसी भक्तों को देखते हैं हमें तुरंत सुख का अनुभव होना चाहिए हमारे मन में हम हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे आ, आ गया सुबह सुबह क्या पता नहीं क्या मांगने के लिए आया ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको हम बहुत प्रेम से सोचने से अरे सुबह से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक सुंदर चंद्रमा जैसे एक भक्त के चेहरे को देखने को मिला सुबह सुबह ऐसे में सोचना चाहिए तो भक्तों को देखते से महाप्रभु क्या बोलते थे माल में आपको अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगम जिह्वा फलम त्वादृश की सुदुर्लभा भागवता लोके बताते हैं सनातन मेरे आंखों की परिपूर्णता आपको देखना आप जैसे वैष्णव को देखना हाँ मेरे जिह्वा की परिपूर्णता आप जैसे वैष्णव की गुणगान करना मेरे त्वच्छ की परिपूर्णता आप जैसे वैष्णव को आलिंगन करना नहीं तो आपके अः श्रीचरण को छूना सुदुर्लभ भागवत आखिर इस दुनिया में आप जैसे शुद्ध भक्त अति दुर्लभ है इस दुनिया में ऐसे बताते हैं तो हम लोग ये बात समझना आवश्यक है फीलिंग जॉय इन डिवोटी दूसरा पॉइंट है तीसरा है फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम अ डिवोटी पहले तो अगर हम भक्तों से प्रेम करते हैं तब उनकी अनुपस्थिति में उनकी विरह भावना अनुभव होता है हमें <coughs> रामायण राय चैत महाप्रभु को बोलते हैं उनके संभाषण में इस दुनिया में सबसे धर्ददायक क्या है एक प्रिय भक्तों भक्त से आ, दूर रखना उनको देखने की इच्छा होता है लेकिन अगर निकट देख नहीं पाते हैं कहीं बाहर बाहर गए हो तो उससे विरह का अनुभव करना ऐसे वो बताते हैं तो सेपरेशन फ्रॉम डिवोटी इज द ग्रेटेस्ट पेन बताते हैं एंड डीलिंग विद सेंसिटिविटी टू बॉडी ऑफ अ डिवोटी तो हर एक भक्त के शरीर भी पूजनीय एक बार पोपा जी गुरु पूजा में बैठे थे मायापुर में तो एक, एक करके भक्त लोग कर दंडवत प्रणाम करके गए हैं तो एक वक्ता ऐसे ऐसे अपने घुटनी को पक देखा ऐसे आ हारे पापा जी पूछा क्या हो गया आपका वो बोले कि घुटनी में गाव हो गया प्रोपा पापा ने उनको बुलाकर एक पेपर लेकर चिट में लिख दिया कि क्या क्या दवाई मैं साथ में डालकर तुमको एक बनाओ उसको लगा लो फार्म में तुमको दो तो तीन दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे प्रपा जी ने उनको फार्मूला दिया तो वो वक्ता सोच रहा था कि अरे प्रपा तो सारे जगत के गुरु हैं फिर भी मेरे जैसे क्षुद्र जीव को भी ध्यान देकर उसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जी, उसको देखकर बहुत कृतज्ञ बने वो इस तरह इस तरह एक बार जी गुरुकुल में गए थे तो किसी टीचर ने पूछा था उनको पपा जी आप हमारे गुरुकुल में बच्चों को हमारे पहली हमारे बार आए हैं आप क्लास दे सकते हैं क्या प्रभा ने सोचा शायद टीचरों के लिए देखा कि सब बच्चों को लेके आकर खड़ा किया उनके सामने बोले इनको प्रभु बोले एक कुकी का डब्बा लेकर आओ तो लेकर आए सबको एक एक दे दिया और बोला ठीक है बस सब लोग कीर्तन करो तो प्रभज बोले कि ये बच्चे हैं छोटे बच्चे बहुत एकदम छोटे हैं इनको समझ में आएगा कृष्णा बान अमृत फिलोसफी कैसे कुकी काकर कुकी काेंगे बोलेंगे कृष्णा बहुत अच्छे हैं हाँ? इसलिए प्रसाद से उनको तब तक किया इस तरह हम लोग संवेदनशील होनी चाहिए और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट इधर बताया गया है पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा कर चुकी है कोई बोल सकते हैं क्या पहले पॉइंट के बारे में इंटेग्रिटी के बारे में पहले एक सेमिनार में मैंने हल्दी कर चुका है इसके बारे में कोई बता सकते हैं Integrity का मतलब है इंटेग्रिटी का मतलब है प्रामाणिकता नेकता ईमानदारी इत्यादि इसके बारे में हमने चर्चा की है पहले एक सेशन में हाँ वाराणसी साक्षी रायपुर बोलिए जा? इंटेग्रिटी इंते, इंटेग्रिटी आपने बताया था कि अपने प्रॉमिस को निभाना जो हम बोलते हैं वो तो हम अगर कर करते हैं तो उसको इंटेग्रिटी बोलते हैं हम्म जो वचनबद्ध रहना प्राण भी जाए वचन न जाए वो इंटेग्रिटी है वो बताया था हमने सही है करेक्ट बोला आपने वही है अभी ईमानदारी का मतलब ऑनेस्टी ये बोलना कि मैं ये नहीं करूंगा यही करूँगा मैं वचन देता हूँ इस तरह वचन देना ऑनेस्टी है और वचन को निभाना वो इंटेग्रिटी है हाँ तो वचन देने से भी ज्यादा मुश्किल है उसको निभाना उसको जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको मेरे पुना में नए मंदिर हम लोग बांध रहे थे उस समय कुछ दो तीन मायने जो लोग आए मेरे पास आकर बोले कि किंग्रीगेशन तो से हम लोग पांच पांच लाख लोन लेना चाहते हैं और उनको पांच साल में लौटा देंगे हम हमको इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए इंटरेस्ट फ्री तो हम सोच रहे हैं अगर सौ लोग पांच लाख दे सकते हैं तो कितना हो जाएगा वो पचास लाख हो जाएगा करेक्ट है? नहीं अगर पांच लाख सौ लोग दे रहे हैं तो पांच करोड़ हो जाएगा वो करेक्ट हाँ सौ लोग पांच लाख दे रहे हैं <laughs> तो लोगों ने बोला ऐसे और वो लोग इंटरेस्ट तो मैंने पूछा ठीक है पॉइंट अच्छा है लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है अगर लोगों से हम लेते हैं पाँच साल में अगर हम रिटर्न नहीं कर पाते तो क्या होगा मैंने पूछा वो लोग बोले कि प्रभु ऐसा नहीं है कुछ लोग देते हैं अभी पाँच लाख दे देते हैं पाँच साल के बाद लोग भूल ही जाते हैं बाद में तो सोचते हैं कि ठीक है भगवान को दे दिया हमने कुछ लोग भगवान को दे दिया करके सो छोड़ भी देते हैं कुछ लोग भूल भी जाएंगे और हमारे पीछे पड़ने वाले कम लोग हैं जो मांगेंगे बोलेंगे कि हाँ किधर हमारा पाँच लाख हमने दिया ऐसे मांगने वाले कुछ लोग होंगे तो उनको हम दे देंगे उनको जो मांगेंगे उनको देंगे बाकी लोगों को देखेंगे क्या किया जाए लेकिन अभी के लिए जल्दी बढ़ सकता है प्रोजेक्ट नहीं तो प्रोजेक्ट थोड़ा हटक गया है मैंने बोला ये नहीं हो सकता वो लोग बोले कि अगर आप आपकी ओर से अभी एक शब्द डाल देंगे मीटिंग में बस मैं बोला वो एक शब्द ही आने में डाल डाल नहीं सकता <laughs> क्योंकि मैं गला भी दे दूंगा लेकिन वचन दिया तो पीछे नहीं हट पाऊंगा मैं ये हम नहीं कर सकते तब लोग बोले प्रभु इसलिए तो हम आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं हैं क्योंकि आप बोलेंगे तो लोग गंभीरता से लेंगे तो मैंने बोला पहले आप लोग प्रूव करो कि कैसे पैसा वापस करोगे उसके प्लान बताओ उसके बाद ही मैं करूँगा तो इस तरह से मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ हमारे अंदर इसकी इस तरह वचनबद्धता की बहुत ज़रूरत है लीडर्स के अगर हम लीडर लोग कुछ बोलते हैं तो करना चाहिए वो तो धोखा देने की प्लान कभी नहीं करना चाहिए हम बहुत सावधानी से जो भी बोलते हैं वो सावधानी से करना चाहिए जैसे हम अगर आपके आपके कम्युनिटी में चार पांच टीएमसी हैं टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर हैं ये एक मेंबर कम्युनिटी एक, एक में क्या क्या उसने बोला जो जो लोग दस दस भागवतम सेट वितरण करेंगे उनको हम मंदिर की ओर से एक भागवतम सेट दे देंगे हम ऐसे उसने बोला एक टीएम से अनाउंस कर दिया बाकी चार लोग बोले हे प्रभु वेट करो हा? आप अनाउंस कर दिया हम लोगों को आपने पूछा नहीं वो बोले प्रभु जी क्या प्रभु नहीं तो कैसे जाएगा प्रभु जी भागवतम सब मंदिर के लोग इतना वितरण कर रहे हैं हमने ऐसे ही बोल दिया अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद अनेक लोग दस दस बीस बीस भाग सेट वितरण कर दिया वो लोगों ने आकर बोले कि प्रभु जी हमारा तीस सेट वितरण हुआ है इसलिए तीन आपको देना पड़ेगा मुझे दस का एक तीस का तीन नहीं? तीन देना पड़ेगा आपको तो आयुष से पीछे पड़े बीस बीस चालीस चालीस लोग तो जो अनाउंसमेंट किया वो बोला मीटिंग में आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मैं नहीं आऊंगा तो आप चार लोग आपने आप इसको संभालो वो बोल रहे हैं प्रभु जी सब लोग हमारे पीछे पड़े हैं आ जाओ मीटिंग में अनाउंसमेंट किया आपने और लोग टूट पड़ रहे हैं हमारे ऊपर हाँ? आप आ जाओ बोल रहा है अभी घर गर, घरेलू काम है हमें टाइम नहीं मेरे पास बोल रहा है वो. <laughs> देखे इस, दुनिया में, <laughs> इस तरह के लोग तो मिल ही जाते हैं आसानी से इसलिए आप लोगों के मंदिर में भी कुछ अनाउंसमेंट करना हो जब तक सब मैनेजर्स का अग्रीमेंट नहीं आया अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए हाँ? बोलेगा ऐसे बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उसको बोलना चाहिए वेट करो तुम आइडिया अच्छा है वो जब पास होगा हमारी टीएमसी मीटिंग में उसके बाद ही अनाउंसमेंट होना चाहिए नहीं तो नहीं है। नहीं तो तुम माइक में बोल दोगे तो बाद में हम लोग उसको निभा नहीं पाएंगे इसलिए वो इंटग्रिटी बोलते हैं इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वचनबद्धता हम्म और दूसरा चीज हमने बोला था मेच्योरिटी मेच्योरिटी नेक्स्ट पॉइंट है वो बैलेंस बिटवीन करेंट इसका मतलब है अपने मत को भी प्रकट करना दूसरे के मत को भी सुनना ये इसका मतलब है स्वार्थ होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना दूसरों के बारे में भी सोचना और नॉन का मतलब ईर्ष्याल नहीं होना और दूसरे मंदिरों के बारे में बुरा भला नहीं बोलना कभी कभी तो एक ही शहर में तीन चार मंदिर हो जाते हैं तो अगर ऋत्विक का भी मंदिर क्यों ना हो हमें उनके बारे में बुरा बोलने की जरूरत नहीं है हमें बोलना चाहिए कि वो लोग अक्षय पात्र हैं और हम लोग इस्कान हैं ठीक है भगवान देख रहे हैं सबकी काकारी को देख रहे हैं अगर वो लोग वर्तमान आचार्य वृंदा की निंदा कर रहे हो तो दंड देने वाले हम नहीं है भगवान उनको दंड देंगे अगर वो करते हैं तो ऋत्विक मंदिर में सब लोग ऐसे नहीं करते कुछ कुछ लोग आचार्यों की निंदा करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते भी हम लोग किसी भी दूसरे मंदिरों के बारे में बुरा बल नहीं बोलना चाहिए अगर कोई बढ़िया प्रचार कर रहे हैं वो डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको देखकर जलना भी नहीं चाहिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए हम अपने काम में पड़े रहना चाहिए हम अपने सेवा में डूब जाना चाहिए और ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए मत्सरता को छोड़ देना चाहिए ये तीन चीज है जो दिखाया है इंटेग्रिटी में नॉन आनंद से विश्वास बढ़ता है तो ठीक है तो इसके बारे में हमने चर्चा की है ठीक है तो इस तरह का विश्वास इन चीज़ों से बढ़ता है जैसे दिखाया गया है ओपनिंग हार्ट टू मरसी अपने हृदय खोल कर बातें करना किसी अधिकारी हमारे ऊपर भी अधिकारी को भी रिपोर्ट करना और मंदिर जहाँ खास करके जो टीएमसी लोग हैं वो लोग अक्सर दिखना चाहिए मंदिर में सुबह के कार्यक्रम में दिखना चाहिए लगभग वो लोग ब्रह्मचारी ऐसे ही रहना चाहिए जैसे मंदिर के निकट घर लेना चाहिए टीएमसी को तुरंत गल तुरंत आ जाना चाहिए मंदिर में जैसे सुबह के कार्यक्रम में भक्तों के साथ जपना भागवत क्लास में रखना आ, 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 ये एक उदाहरण देता हूँ आपको जैसे हम लोग अमेरिका गए थे अमेरिका में एक बाल्टी में एक मंदिर है उधर नीलम माधव प्रभु करके एक डिवोटी है तो ये प्रभु जी सुंदर भव्य मंदिर बनाया है उधर बाल्टी मोन में प्रसार भी कर रहे हैं लेकिन वो सर्जियन भी है डॉक्टर भी है वो आ जाते हैं सुबह मंदिर में मंगलाती के लिए आ जाते हैं अटेंड करते हैं क्लासेस अटेंड करते हैं उसके बाद अस्पताल में जाते हैं काम करके शाम को आते हैं तो मैंने पूछा उनको प्रभु जी आपके बीवी बच्चे हैं अपने इधर सुंदर मंदिर बनाए हैं बड़ी बात है ऐसे आपने

इस परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे अलग अलग मैं भी अलग मंदिरों को फोन लगा देता हूँ पूछता हूँ कि आप लोग क्या करोगे इस परिस्थिति में आपके मंदिर में सर का घटना घटी है क्या आप लोग कैसे संभालेंगे जैसे हमारे गोविंद दास में वक्त शुरुआत में हम लोगों ने माला करने वाले की दीक्षित भक्तों को अपॉइंट की थी लेकिन ये लोग रहते हैं तीन महीना छह महीना चले जाते हैं कहीं और उनको बुलावा आ जाता है चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ कर्मी लोगों को एम्प्लाई किया क्योंकि मिल नहीं रहते भक्त लोग तो मैं हम लोग दूसरे मंदिरों को पूछते हैं आप लोग क्या करते हो कैसे संभालते हो आपका अनुभव क्या रहा है तो हम लोग फ्रेंडशिप रखना चाहिए दूसरे प्रोजेक्ट के साथ उनके तो मैत्री होनी चाहिए फोन करना चाहिए उनको उनके मंदिर में भी कभी जाना भी चाहिए ऐसे तो में हर साल परम पूजय गोपाल महाराज व्यास पूजा में मैं गया हूँ कुछ दो, दो बार गया हूँ कभी कभी दिल्ली में जाता हूँ दूसरे टाइम में जाता हूँ बड़े मंदिर में जाते हैं उसके बाद रुक्न कृष्ण प्रभु पंजाबी बाग में उनको मिलने के लिए जाते हैं महाराज जी ने बोला था कि अगर तुम दिल्ली आते हो तो हर बार तुम अलग अलग मंदिर में भी जाकर देखो एक बार रोहिणी मंदिर में भेजा था महाराज ने मुझे और एक बार हम लोग बहादुरगढ़ में गए थे और एक बार गाजियाबाद में गया था मैं इस नोएडा का मंदिर है तो क्यों मैं जाता हूँ मंदिर में जाना कार्यक्रम का गठन करना उधर के नेता भक्तों के साथ बैठ कर थोड़ा बातचीत करना उनका अनुभव सुनना हमारा अनुभव बताना मैत्री बना लेना लोगों के साथ उनको हमारे मंदिर में बुलाना हम उनके मंदिर में जाना इस तरह का आदत हम लोग बना लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस कॉन में क्योंकि आपको भी किसी आपके कांग्रेगेशन कोई वक्त कोई जा रहा है उस शहर में तुरंत तो आप उसको फ़ोन लगा कर बोल सकते हैं कि भाभी तो जी हमारा एक परिवार आ रहा है उधर तो हमारे कांग्रेगेशन के तो उनको थोड़ा प्रसार दीजिए उनको थोड़ा ख्याल रखिए और वो भी भेजेंगे इधर तो हम लोग इस तरह मैत्री रखना चाहिए और कंसल्ट भी हम लोग कर सकते हैं उनको इस परिस्थिति में आप लोग कैसे इसको सुलझा हो गया ऐसे शेयरिंग शेयरिंग का मतलब प्रसाद को भी बंटवारा करना दूसरों को हमारे नोट्स बनाते हैं अच्छा इस तरह पावर पॉइंट कुछ बनाते हैं लोगों को बंटवारा करना अगर भक्त लोग लाभान्वित तो होकर आपको आशीर्वाद देंगे तो आपसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपसे हाँ मैं खास करके आने का अच्छे अच्छे पावर पॉइंट बनाकर छोड़ देता हूँ इसमें मेरे वेबसाइट में तो अनेक लोगों से हमको आशीर्वाद मिलता है।, है भक्त लोग लिखते है। गीता मृत हैं गीता गीतामृत बिंदु भागालय आपने जो पीपीडी बनाया वो हमने भक्ति शास्त्री भक्तिभा में यूज किया प्रचार काम में यूज किया काम में आ रहा है बहुत अच्छा है भगवान आपको आशीर्वाद दे बस ऐसे भक्तों के आशीर्वाद को कलेक्ट करते जाना चाहिए हमको जितना आशीर्वाद प्राप्त होगा भक्तों का तो गुरु और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे हुँ? तो हम लोग शार करना चाहिए ऐसे दूसरों को बंटवारा करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए हमको हुँ? क्या छुपा कर रखने से क्या होने वाला है हम तो एक दिन शरीर मर मिट जाएगा तो उसके पहले जो भी है हमारे पास भक्तों को देने में कुछ संकोच नहीं करना चाहिए हुँ? और और ब्राइटर साइड ऑफ रिवटी भक्तों के, के अंदर अच्छे गुण क्या है अच्छे गुणों को देखना अवगुणों को ना देखना अच्छे गुणों को देख कर उनको प्रोत्साहन देना एनकरेजमेंट देना अप्रिशिएट करना है ये सब बताया तो उससे भी प्रेम बढ़ता है भक्तों के बीच में है? और ये सब चीजों से विश्वास बढ़ता है जो आपने देखा हाँ अभी आ रहा है टॉपिक डीलिंग विद सीनियर इक्वल एंड जूनियर डिवोटीज इधर एक एक पॉइंट बताया गया है रेस्ट्रिक्शन क्रिएट्स एंड इंक्रीजेस रिलेशनशिप इसका मतलब क्या है रेस्ट्रिक्शन का मतलब है हम लोग दूसरों के साथ डीलिंग करते समय थोड़ा रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कुछ फीडबैक इत्यादि देने के लिए हिचिकचाना चाहिए तुरंत नहीं दे देना चाहिए जो भी मुख में आता है मन में आता है तुरंत नहीं बोल देना चाहिए थोड़ा संकोच होने से संबंध बढ़ता है बोलते हैं सन्निकर्षो अत्र मात्रेण अनादरण कारणम ऐसे भागवत के दशम स्थल में एक श्लोक आता है नारद बोलते हैं ये श्लोक क्या है सन्निकर्षो अत्र मतलब बहुत निकट जाते हैं वैष्णव के तो हम अपराध कर बैठते हैं अब श्री विग्रह भी है बहुत निकट जाकर दर्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर उस विग्रह में कुछ त्रुटि हो कुछ उसको कार्विंग करते समय तो नहीं तो कपड़े पहनाते समय कुछ उसमें त्रुटि हो तो हम लोग दोष दोषारोपण दो दो करेंगे लेकिन निकट जाकर रहने के पहले थोड़ा दूर से दर्शन करते हैं ही मन सोचना चाहिए कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण करे हैं राधा जी है तो हम ही मन बहुत आदर भावना के साथ हम दर्शन लेंगे उससे हम लाभान्वित होंगे इसी क्षेत्र महाप्रभु भी खुद किधर दर्शन लेते थे वो कड़े रहते थे जबरदस्त स्तंभ के निकट ऐसे इस तरह वक्तों के साथ भी वक्तों को आग से तुलना किया है क्यों क्योंकि आग से काम भी होता है रसोई में सब्जी पकता है चावल पकता है अच्छा है लेकिन साथ साथ उसके साथ कभी कभी आग से खतरा भी है बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है अगर हम थोड़ा केयरलेस रह गए तो कभी कभी जैसे खिड़की में कर्टन होता है रसोई में वो कर्टन ऐसे से उड़ता है, उड़ता है, हम परवाह नहीं करते हैं लेकिन माँ थोड़ा इधर उधर गई वहाँ पंद्रह मिनट में आकर देखा कर्टन पूरा जल कर क्योंकि ऐसे हवा में उड़ रहा था गैस स्टोव भी निकलता पकड़ लिया बस पूरा कमरा जलकर राख बन गया एक बार ऐसे तो इसलिए हम लोग बहुत निकट जाना अच्छा नहीं है वैष्णव के बहुत निकट जाना अच्छा नहीं है निकट जाने से अतिपरचयात अविज्ञात अतिपरिचयात अवज्ञात बहुत ज्यादा परिचय होने से हम लोग क्या करते हैं उसको निंदा करते हैं अवज्ञात इसलिए हम लोग कई से डील करना चाहिए भी पड़ेंगे सीनियर डिवोटी और एडवांस डिवोटी दो शब्द इसके है इधर सीनियरिटी का मतलब क्या है कोई उम्र से हमसे बड़े हैं कोई दीक्षा हमसे पहले लिया है कोई अधिकारी है मंदिर में मैनेजर है प्रेसिडेंट है ये है। सब सीनियर बोलते हैं हम सीनियर का मतलब सीन उन्होंने बहुत साल देखा देखा अपने जीवन में years, so बोलते हैं लेकिन अध्यात्म जीवन में प्रगति सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर निर्भर नहीं है कुछ लोग दर्जनों साल जीते हैं इस कान में लेकिन प्रगति नहीं कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने गंभीरता से भक्ति नहीं किया इसलिए दूसरा पॉइंट बताया है इधर एडवांसमेंट इसका मतलब क्या है ये, ये कृष्णा भावना में कितना बड़ा है वो कितना कितना उसके पास नाम के ऊपर रुचि है कितना उसको भागवत के ऊपर रुचि है भक्तों के साथ संवेदनशीलता के साथ कैसे व्यवहार करता है और आद्यम जीवन में एकाग्रता कैसे पाया है अनेक ऐसी चीजें हैं तो वो इधर बताया गया कि हम आदर देना चाहिए वरिष्ठों को हुँ? और हरेक वैष्णव को क्योंकि इधर खास करके सीनियर के बारे में बताया जा रहा है इधर अगर वो सीनियर के अंदर त्रुटि भी क्यों ना हो हु? फिर भी हमें उसको सहन कर लेना चाहिए जैसे इधर बताया गया इधर पिक्चर में देखे सारा वैष्णव प्रेम से साथ में बैठ कर बातचीत कर रहे हैं ऐसे मीटिंग ले रहे हैं कुछ ऐसे तो ये माहौल बहुत ठीक है लेकिन कभी कभी होता है कि एक वैष्णव दूसरे को डांट रहे हैं अगर सीनियर ने आपको डांटा तो तब क्या होता है एक वक्त के अंदर विचार उठता है कि अरे ये सीनियर मुझे आदर नहीं दे रहा है ये मुझे डांटा कल इसलिए मैं इसको हरे कृष्ण भी नहीं बोलूंगा मैं सर मुड़ लूंगा ऐसे ऐसे फिस्लो करते हैं तो वरिष्ठों के साथ झगड़ा करना बहुत खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा प्रगति होता है वो उपदेश देते हैं हमको गाइडेंस देते हैं फीडबैक देते हैं सुधारते हैं अगर कोई डॉक्टर के पास ही कोई जाता नहीं है डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहा है दवाई दे रहा है उसको नकार दिया आपने याद तो ही बढ़ने वाला है में भी ऐसा ही समस्या है तो पपा जी बोलते हैं कि मायावादियों को भी हमें आदर देना चाहिए ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए अगर हम मायाव सैनिया से देखते हैं तो इधर बता रहे कि अगर कोई हमको दंडवत कर रहा है आदर दे रहा है हम उसको सही ढंग से आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो उनके बुरे गुण हमारे ऊपर आ जाते हैं इधर बताया गया है कि अगर हम बिस्तर में लेटे हैं कोई वरिष्ठ भक्त तो आ रहा है नहीं तो गुरु आ रहे हैं ऐसे लेटे लेटे बात नहीं करना चाहिए ठीक है बताइए ऐसे ही बता दीजिए ऐसा हमें वरिष्ठ भक्तों के साथ ऐसे बरतान नहीं करना चाहिए तुरंत उठ जाना चाहिए बैठना भी नहीं चाहिए खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़ना चाहिए नमस्कार करने चाहिए वो आप आए हैं बताइए हम आपकी सेवा कैसे करें ऐसे पूछना चाहिए हुँ। हुँ। अगर ये एक मंदिर के हॉल में या एक सीनियर भक्त आपसे बात करना चाह रहा है वो आप आकर आपको बोलते हैं प्रभु तो जी वो भक्त कड़े ना प्योपाल के निकट वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आप इधर खड़े होकर उनको बुलाना चाहिए आजा आजा क्या चाहिए आपको आओ इधर ऐसे बुलाना नहीं चाहिए हम उनके पास जाना चाहिए हां हम भागना चाहिए कोई जो आपको पुछाए क्या कैसे सेवा करूं ऐसे जा जाकर जा, पूछना चाहिए अगर वो हमारी ओर आ रहे हैं हम भी उनकी ओर दौड़ना चाहिए अगर वो चलते-चलते आ रहे हैं तो हम दौड़ते हुए जाना चाहिए उनके पास ऐसे करने चाहिए <laughs> वो अगर वो भागते जा रहे हैं तो हम और तेजी से भागना चाहिए उनसे ऐसे बताया गया और अगर कोई है कोई बोलता है कि ऐसे है वो बोल रहा कि आपसे बात करना था नो थोड़ा मुझे कर, कल टाइम नहीं मिला बात करना था ऐसा अगर वो मुड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए इधर से भागते हुए इधर आकर इधर झुक कर बोलना चाहिए इधर सामने आ जाना चाहिए उनके हा? ऐसे जिस दिशा में वो देखते हुए बोल रहा है उस दिशा में भाग जाना चाहिए हमको तो। भाकर झुक कर बोलना चाहिए महाराज जी बताइए ऐसे प्रभु जी बताइए आज्ञा क्या होती हाँ है सेवा क्या बताइए उनके सामने हमें ऐसा नहीं अपेक्षा करना चाहिए कि क्या इससे मुड़कर बात कर रहा है हमारे ऊपर मुड़ने दो हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए हम उनसे अपेक्षा छोड़ देना चाहिए हम उनकी अपेक्षा को उन, उनके उनको आदर देते हुए उसके अनुसार हमें वार्ता करने चाहिए ये सब सिखाया गया है <laughs> ये सब एक अच्छा शिक्षा है इधर इधर एक पॉइंट बताया गुरु जो है, वो कभी कभी प्रेम से हमारे साथ डीलिंग करते हैं लेकिन विद्यार्थी जो होता है उसको संकोच होना चाहिए नहीं 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 हाँ नहीं, नहीं।, नहीं इस तरह जैसे उदाहरण के लिए गुरु आकर आपके कंधे के ऊपर हाथ डालते हैं ऐसा नहीं कि आप भी उनके कंधे के ऊपर आप भी हाथ डालो ऐसा नहीं करना चाहिए हम नहीं करना चाहिए हमको संकोच होना चाहिए जैसे प्रभु रामचंद्र इनको आलिंगन देते हैं हनुमान जी को हनुमान जी को संकोच हो रहा जैसे है हनुमान जी ऐसे कर रहे हैं ऐसे उनको लग रहा है कि मैं अयोग्य हूँ इनके आलिंगन के लिए मैं योग्य नहीं हूँ ऐसे उनको लग रहा है हमको भी ऐसे सनातन गोस्वामी को भी बहुत संकोच होता था जब से आते हैं वहाँ पर उनको आलिंगन करने के लिए आते थे वहाँ पर सोचते कि मेरे शरीर में फोड़े हैं वहाँ पर बोल के शरीर सुनहरा है कि आलिंगन करेंगे तो मेरे फोड़े से गंदा चीज़ उनके शरीर को छुएगा फिर तो भी वहाँ पर आलिंगन कर देते प्रेम से ऐसे तो इस तरह हमें भी संकोच करना चाहिए कि हम अयोग्य हों ऐसे हम गुरु के अनुपस्थिति में भी हम गुरु के नाम को प्रेम से लेना चाहिए जैसे आजकल के प्रवचनों में कुछ कुछ भक्त लोग उनके नाम को सीधा बोल देते हैं तो एक बार मैं उधर गोवर्धन कॉलेज में गया था उधर इस बोलने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज उनके कमरे में गया उनको मिलने के लिए रात को हम एक घंटा बात के एक दो घंटा हम लोग बात कर रहे थे तो जब मेरे बात करते करते मैंने उनको बोला महाराज जी आपसे एक प्रश्न पूछना है मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी है राजा महाराज जी तो ऐसे में बोलते गए आगे बोलें हाँ शाम प्रभु आप रुकिए बोला उन्होंने मैंने पूछा क्या है ऐसा कैसे आपने बोल दिया राजनाथ महाराज करके आपको बोलना चाहिए परम पूज्य गुरु महाराज राजनाथ महाराज इज होलीनेस राजनाथ महाराज आपको ऐसे बोलने चाहिए ऐसे कैसे सीधा उनका नाम आपने ले दिया किसी भी गुरु का आप नाम लेते हैं आ, परम पूज्य गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी महाराज परम पूज्य जयप्रता स्वामी महाराज ऐसे परम पूज्य बोलना बहुत आवश्यक है इस हो लेने कभी भी लेक्चर में हो किसी के साथ बात कर रहे हो टाइटल के बिना बाहर के लोग भी जानते हैं मिस्टर जाते हैं मिस्टर सोन सो मिसेस सोन सो मिस सोन तो सो ऐसे लिखते हैं वो लोग टाइटल के बिना किसी का नाम नहीं बोलाते कंपनी का डायरेक्टर कौन है ऐसा ही नाम नहीं संतोष ऐसे नहीं बोलते मिस्टर संतोष वो लिखते हैं तो वो लोग मिस्तर लगते हैं हम लोग हिज हिजोलिन डालना चाहिए हिज ग्रेस बोलना चाहिए तो वह उनसे सीखा ये बात है। तो इसलिए हमारे प्रवचन में हमारे गुरु का नाम अगर हम लेते हो तो परम पूज्य बोलना चाहिए हमेशा इस तरह आप मीटिंग में भी किसी के बात बारे में बोलना हो तो सोन तो grace, वो परम पूज्य सोवंसो महाराज हैं तो हिज ग्रेस वो भक्त जो है ऐसे नाम लेना चाहिए लिखते समय भी ई में हिज ग्रेस के बिना किसी भक्त का नाम नहीं लिखना चाहिए हिज ग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट मेरे मेल्स में आप देखेंगे कभी भी मैं किसी का भी नाम नहीं लिखूंगा हिज ग्रेस के बिना सालों साल हा? और दस बीस साल से मैं ऐसे ही लिखते आया हूँ लेकिन बोलते समय में भूल से महाराजा कुछ महाराजों का नाम ऐसे ही लिया होगा हा? लेकिन हिज परम पूज्य वो पूज्या शुड नॉट मिमिक हिज गेट्स हिज हिज वॉक्स एंड डी आपके गुरु महाराज के आवाज को नकली नहीं करना चाहिए उनके आदतों को के नकली नहीं करना चाहिए कुछ लोग प्रभुपा जी को नकली करते हैं कुछ लोग बोलते हैं ना इफ यू क्लेम टू बी बी गॉड यू विल कॉल्ड डॉग ऐसे कुछ लोग ऐसे ही आवाज उठाकर प्रभु जैसे ही बोलते हैं प्रभा जी को नकली नहीं करना चाहिए हमको प्रभुपा प्रभु जी हैं हम अपने गुरु को नहीं तो प्रभुपा जी को कुछ नकली नहीं करना चाहिए इसका मतलब है हम सोच रहे हैं कि हम गुरु से भी बड़े हैं ऐसे देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को शिक्षा गुरु हो दीक्षा गुरु हो किसी को अगर वो आलोचना करता है नहीं तो अपराध करता है अगर उसके आलोचना जो सही भी हो वो अगले जन्म में वो गधा बनता है अगर वो आ, अगर जो बोला वो अपने गुरु के बारे में वो गलत था तो कुत्ता बनता है अगर जो आलोचना किया सही था वो गधा बनता है वैसे तो जो भी आलोचना करते हैं आप अपने गुरु को शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को क्या तो हम गधा बनते हैं नहीं तो कुत्ता बनते हैं ऐसे बताते हैं आप बोलेंगे प्रभू जी वर्ष लोग कुछ भी कर सकते हैं कोई पूछने वाला नहीं इसका मतलब है गदाब बनोगे कुता बनोगे ऐसे बोलकर आप लोग डरा रहे हो इसका मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है हम बोल रहे हैं कि उनके बारे में शिकायत करना हो तो वरिष्ठों के पास उनके अधिकारी अधिकारियों के पास जाकर बोलो सब लोगों को मत बताओ उनके भी अकाउंटेबल कोई होंगे ऊपर उनसे भी ऊपर उनके पास जाओ अगर कोई गुरु के पैसे को चोरी चोरी करता है तो अगले जन्म में वो एक कीड़ा बनता है ऐसे बताते हैं अगर कोई गुरु के यश को देखकर कर ईर्षा करता है अगले जन्म में वो एक कीड़ा बनता है hmm. अगर हम गुरु के पास भी जाते हैं हम इतना सॉफ्टली कुछ लोग बोलते हैं है? इस तरह नहीं बोलना चाहे कि बोलेंगे गुरु समझ नहीं पाएंगे क्या बोला थोड़ा जोर से बोलो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं बहुत संकोच करते हैं थोड़ा दूर से वो ऐसा अपना उनको ही समझ में आएगा बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए साथ में ऐसे गुरु के पास सामने जाकर शर्म के बिना जाकर ऐसे नहीं चलाना भी नहीं चाहिए फाट फूट करके है आवाज बढ़ाकर भी बोलना नहीं चाहिए बहुत कम आवाज में दूर से ऐसे भी नहीं करना चाहिए बीच वाला से मतलब है वहां धनरो प्रणाम कर देना चाहिए नाम लेना चाहिए नमा ओम विष्णुपाद आय कृष्ण पृष्ठ आय भूतले जैसे मैं मेरे गुरु के महाराज के पास जाता हूँ श्रीमते राधानाथ स्वामी नाम ने ऐसे महाराज को बोलता हूँ उसके बाद बांछाकल्पत रूप इसके वाष्णुवी वैष्णव नमो नम है बोलकर उसके बाद खड़े हो जाते हैं महाराज खड़े हैं तो हम भी खड़े रहना चाहिए महाराज बैठ गए बोलते हैं बैठो तो हम भी बैठते हैं तो बैठ कर जो भी बोलना हो उनके साथ थोड़ा जोर से बोलना हो बोलना होगा ताकि उनको सांख उनके कान में सुनाई देना चाहिए उनको अगर आजकल तो कोविड का परिस्थिति है गुरु को मिलना हो गुरु चाहते हैं कि कोई निकट ना आए फिर भी कुछ बाहर बाहर निकट निकट जाते हैं महाराज 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 कान में जाकर वो नहीं करना चाहिए है? उससे ये होगा प्रॉब्लम होगा तो दूर से थोड़ा आवाज बढ़ाकर बोल सकते हैं तो ये सब संवेदनशीलता गुरु से गिरेंगर समय हैं। अगर आपके गुरु आपके आश्रम में नहीं तो कमरे में आ गए वहां के लोग भी जानते हैं तुरंत कड़े हो जाना चाहिए हमको करंट तड़ कड़े भी होना चाहिए हाथ भी जोड़ लेना चाहिए हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण प्रभाव जाने के बाद हम लोग बैठ सकते हैं आराम से ऐसा नहीं कि हाल के अंदर गुरु आ गए हम ऐसे ही बहुत कैशअली लेते हैं कुछ मोबाइल में देख रहे हैं हम ऐसे ही कोई आकर आपके कंधे को हिला रहा है क्या है महाराज आए जाए देखो देख ले हमारा तो क्या करना हमको वो तो उनसे बात कर रहे हैं मैं तो ऐसे इसको देख रहा हूँ ऐसा ऐसा नहीं है उनकी उपस्थिति में हम लोग कैजुअली नहीं रहना चाहिए ये बात पता है और गुरु को उपदेश देना नहीं चाहिए जैसे रामचंद्र रामचंद्रपुर ने दिया ऐसे वरिष्ठ भक्तों के पास जाते समय हमें उनसे सुनने के लिए आतुरता होनी चाहिए, और पूर्वक सुनना चाहिए ऐसे बताते हैं कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम ज्यादा ही बोल देते हैं सीनियर को उनसे सीखने के बदले हम लोग अपने पास जो भी बोलना चाहते हो यानी परिस्थितियों पर वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं उनसे सुनना भी चाहिए सीनियर से सिर्फ हमें सीनियर उन सीनियर से नहीं सुनना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं तो हमको जो भी सीनियर क्लास दे रहे हैं बाहर क्लास दे रहे हैं बैठ कर सुनना चाहिए मंदिर में चाहिए बना करेक्ट क्यों सुनना चाहिए इधर चार पॉइंट बताया गया है सुंदर पॉइंट्स है हमारे श्रद्धा को बढ़ाने के लिए और कृष्ण को तुष्ट करने के लिए और गुरु की सेवा के रूप में और उत्साहपूर्वक हमें सेवा में जुड़ना चाहिए ऐसा बताया गया हम्म hmm. इसलिए संग एक उत्साह बढ़ाना गुरु को कृष्ण को तृप्त करना गुरु को तृप्त करना कृष्ण को तृप्त करना और चित्त की शुद्धि की अपेक्षा करना बस अगर गलती हुआ तो माफ भी मांग लेना चाहिए हम्म hmm. बता अगर ने माफ़ी मांग दी है मांग लिया तो बा, सब भक्तों के साथ हमारा प्रेम मय मैत्री होता है फ्रेंडशिप होता है एक श्लोक याद आ रहा है हमको परीक्षित महाराज की हम वो नहीं है दूसरा पुनश्च भूयात भगवत रतिम प्रसंग तदाश्रयेशु महत्सुयाम याम, याम उपयाम सृष्टि सर्वत्र मैत्रियस्तु नमो द्विजेभ्य ऐसे बताते हैं है? और हैं कि हे भगवान अगर मुझे पुनः इस दुनिया में जन्म लेना हो दरक्षित बोलता की तीन चीज वरदान में मांगता हूँ आपसे आपके लिए श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा और प्रेम हो आपके लिए और भक्तों का संग हो और तीसरा है सर्वत्र मैत्री वस्तु सब जीवों के साधारण जीव जो है दुनिया में उनके साथ मैत्री भावना हो ऐसे बताते हैं सबके साथ मैत्री भावना और भगवान के लिए प्रेम हु? और भक्तों के संग ये तीनों अपेक्षा करते हैं और इस तरह महाराज ने माफ कर दिया श्रृंगे को पुनः श्राप नहीं दिया उन्होंने यही बताया है। अभी भक्तों के बारे में बताया गया है अभी आपको एक एक्टिविटी देते हैं आपको आप लोगों को पाँच मिनट टाइम दूंगा चैतन्य लीला से कोई बता सकते हैं कई से कुछ भक्त अपने वरिष्ठों से कुछ वक्त अपने समभक्तों के साथ कैसे बर्ताव की एक लीला बता सकते हैं लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको बताना है ठीक है क्योंकि अभी तक हमने वरिष्ठों के बारे में सुन लिया और इक्वल वक्तव्य अब जानते हैं मुझे पांच उदाहरण चाहिए इक्वल फ्रेंडशिप के लिए हाँ सम भक्तों के साथ मैत्री जो है पाँच छः उदाहरण आप दो दो लोगों का देना चाहिए इनका इनका बीच में संबंध है ऐसे मैत्री का और सीनियर के साथ नहीं तो इक्वल फ्रेंड के साथ एक आध्यात्मिक आदान प्रदान कैसे भक्तों ने किया है किसने किया है लीला से ठीक है तो पाँच मिनट दीजिए और मैं साढ़े तीन बजे शुरू करूँगा इधर अभी तीन पच्चीस है हाँ पाँच मिनट के बाद हम शुरू करेंगे आप नोट कर लीजिए आपके पेपर में उसके बाद बताइए ठीक है हरे कृष्णा कोई बोलना चाहेंगे कोई कोई हाथ ऊपर किया क्या कोई हाँ इसका अंजू चैतन्य प्रभु बोलिए प्रभु चैतन्य प्रभु बोलिए आवाज नहीं आ रहा है सीनियर ड्यूटी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब जीवक गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब रूप गोस्वामी ने दो बार हम देखते हैं दिया जीवक गोस्वामी को और जीव गोस्वामी एकदम नम्रता से उसको एक्सेप्ट करते हैं दो वो बहुत लड़े थे बहुत पढ़े लिखे थे तो नम्रता देख सकते हैं वल्लभाचार्य आए थे रूप गोस्वामी को मिलने के लिए तब वल्भाचार्य ने पूछा कि भुक्ति मुक्ति सुप्रखा यावत पिशाची वर्त थे उसके बारे में चर्चा करने के लिए लेकिन लेकिन रूप गोस्वामी ने उनको कुछ नहीं बोला वल्लभाचार्य ने बोला कि तुम्हारे लेख में मैं कुछ कारेक्शन दिखाना चाहता हूँ रूप गोस्वामी चुपचाप एक्सेप्ट किया लेकिन बाद में जीव गोस्वामी ने उनको समझा दिया रूप गोस्वामी के लेख में कुछ गलती नहीं है त्रुटि नहीं है उसको सुनकर वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न हुए बोले रूपक गोस्वामी को आपका शिष्य जो है बुद्धिमान है हमको भी समझा दिया मेरा जो शंका था तो दूर हो गया अभी वो चले गए जन्म जाने के बाद तो रूपक स्वंध बोला गया बहुत वरिष्ठ हैं हमारे चैत्र महाप्रभु के निकट मित्र हैं वो वो हमारे लिए भी गुरु 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 के गुरु के समान है पूजनीय है उनके पास जाकर हमने तो कैसे उनको करेक्शन समझाया मैं भी कुछ बोला नहीं इसके कारण आपने बोल दिया इस तरह आप उन्दान में रहने के लिए योग्य नहीं हो तो बाहर भेजा तो दूसरे बार रूप नारायण करके कोई दिग्विजय पंडित आया था उसके साथ वाद विवाद करने में मजा नहीं था रूप सनातन का दोनों ने विजय पत्रिका में साइन करके दे दिया उसको लेकिन जीव गोस्वामी के बाद में जब पता चला यमुना के तट में उसको मिले बोले कि पहले तुमको मुझे पराजित करना पड़ेगा उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी के बारे में सोच सकते हो तुमको मालूम नहीं वो लोग कितने महान हैं है? तो उन्होंने कुछ कुछ ही दिनों में उनके साथ वाद विवाद करके उनको पराजित कर दिया तो रूप गोस्वामी ने उनको डांटा जो जो गोसम को समय की बर्बाद किया तुमने अव्यर्थ अभ्यर्थकत्व वैष्णव को समय की बर्बाद नहीं करना चाहिए वाद विवाद में इसलिए तुम मृदान में रहने के लिए योग्य नहीं चले जाओ तो ये एक रूप के केस में समय की बर्बादी के केस में एटिकेट सीनियर के साथ वाद विवाद करना अच्छा नहीं है उनको समझ आना इत्यादि हाँ तो इस तरह हम देख सकते हैं कि उनके उपदेश को एक्चुअली जो गोस्वामी का अंतर मात्र मातृ अहंकार नहीं हा? अपने बड़े गुरु हैं उनके नाम को रक्षा करने के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने बोला उसके लिए उनको डांट करना का, पड़ा और वो स्वीकार लिया उन्होंने हाँ उन्होंने बदला नहीं लिया कुछ बोला नहीं Very good. Nice Thank you, और, और किसी का हाथ जय श्री बराधर माता जी बोलिए हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु प्रभु जी, जी हम ये भी देख सकते कि जो जब चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित गोपीनाथ में भगवान ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के विषय में बार बार चर्चा करते रहे थे करक, करक। करेक्ट 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 कहते हैं महाप्रभु खुद भी जाते हैं नितान प्रभु के साथ जाते हैं और ठाकुर को भी साथ में लेकर जाते हैं और साथ साथ आ, 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 आप एक पिक्चर में देखेंगे उसमें रूप सनातन भी है ना एक बार है उसमें गदाधर पंडित पढ़ते हैं भागवत महाप्रभु बैठ कर सुनते हैं है? महाप्रभु को सुनने में आनंद है वेरी गुड थैंक यू अच्छा उदाहरण है हाँ और कोई साक्षी मरा प्रभु का पर तो तो करे, करेक्ट वो जाना फ्रेंड्स है करेक्ट 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 अच्छा उदाहरण है वो करेक्ट और इसी तरह और और कुछ लोग इक्वल फ्रेंड्स का उदाहरण दीजिए इन्होंने एक उदाहरण रिलीज कर दिया इन्होंने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का और कोई उदाहरण दे सकते हैं इक्वल फ्रेंड्स का उदाहरण चैत्री में हाँ आचार्य और नहीं 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 अद्वैत नहीं नहीं आचार्य करेक्ट आचार्य हरिदास ठाकुर का भी लीला है श्राद्ध श्राद्ध पत्र का श्राद्ध पत्र का एक लीला आता है और अद्विताचार्य और नित्यानंद प्रभु का भी मैत्री है बहुत हैं। और अंकुर गंगावर गंगवार प्रभु अंकुर आवाज नहीं आ रहा आपका यू कांट हियर यू आवाज नहीं आ रहा नहीं 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 आवाज नहीं आ रहा है आपका म्यूट लगता है हुँ। कोई और कुछ उदाहरण कोई देना चाहते हैं कोई और कुछ चला विरोत्तम ठाकुर रामानुज पांडे हां शामानंद पांडे तावर श्रीनिवास आचार्य तीनों फ्रेंड्स जीव गोस्वामी के शिक्षा हैं वेरी गुड थैंक यू और कोई बस कोई नहीं कृष्णा हां बोलिए श्री रामानंद राय और स्वरूप अह सरबम भट्टाचार्य करेक्ट दोनों मित्र हैं रामानंद राय सरबम भट्टाचार्य मित्र हैं हां करेक्ट वेरी गुड इसी तरह गोपीनाथ आचार्य अच्छा और सरुमठाचार्य अच्छा वो भी बहुत निकट मित्र हैं और ये जो है के उद्यान विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर वो दोनों बहुत निकट मित्र हैं उद्यान विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर उनका मैत्री है इस तरह स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर उनका भी मैत्री है इस तरह हम सुनते हैं ऐसे अनेक फ्रेंड्स का उदाहरण मिलता है हमको चैतन चैतन्य लीला में हुँ? ठीक हम आगे बढ़ते हैं करेक्ट है करेक्ट करेक। वो भी बहुत निकट फ्रेंड्स हैं करेक्ट सही बोला आपने करेक्ट इसी तरह गदाधर पंडित और चैतन महाप्रभु उनका बहुत निकट मैत्री भी है थैंक यू और इधर देखिए क्वल फ्रेंड्स हाउ टू हैव नाइस रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल्स हम है मैत्री कैसे हम जोड़ सकते हैं कम टुगेदर एंड डिस्कस द बेस्ड ऑन कृष्ण कथा साथ में आना चाहिए कृष्ण कथा की चर्ची, चर्चा करनी चाहिए इससे क्या होता है दूसरे भक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है हमारे अंदर जो हम कभी खुश हैं कभी दुखी हैं भक्तों को बोल सकते हैं जैसे अगर आप भक्तों को बोलेंगे आपके फ्रेंड कंपनी के फ्रेंड को बोलिए कि हाँ ये लोग इस कान में चाय नहीं पीना बोलते हैं काफ़ी नहीं पीना चाहिए वो बोलेगा यार इस कान में क्यों जाते हो मत जाओ मैं नहीं जाता बोलेगा लेकिन अगर वैष्णव को आप पूछेंगे इस कान में मैं जाने जा, के बाद मुझे चाय छोड़ नहीं पा रहा हूँ वो बोलेंगे हर्बल चाय पीजिए हाँ और क्लास में आते जाइए ऐसे बोलेंगे इसलिए भक्तों से ही सुझाव लेना चाहिए हुँ? और इस तरह हमें मै, मै, मैत्री होगा भक्त लोग हमको जपा में करेक्शन कर सकते हैं करेक्ट है ना हम्म करेक्शन कर सकते हैं और अगर कोई मित्रता होगा तो हम अपने हृदय बोल सकते हैं हम्म और uh, करेक्ट अगर मैत्री होगा तो हम दूसरों से सीख भी सकते हैं अनेक चीज और हम मैत्री के द्वारा समझ सकते हैं कि भगवान ने हम लोगों को अलग अलग बनाया है किसी का एक अप्रोच है दूसरे का दूसरा स्टाइल है अलग अलग शैली से लोग करते हैं सेवाएं तो इस तरह हम लोगों को मैत्री से बहुत लाभ लाभ होगा साथ में आकर हम लोग एकादशी के दिन ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं यात्रा में जा साथ में जा सकते हैं गृहस्थ भक्त लोग दूसरे गृहस्थों को अपने घर में बुला सकते हैं प्रसाद के लिए हर एक गृहस्थ एक दो गृहस्थों को बुला सकते हैं पति पत्नी को ये स्पेशल दिन है हमारे घर में आइए प्रसाद पाइए और वो इनको बुला सकते हैं ददा आति पति घृणा पृछती इस तरह और सेवा भी अगर साथ में आकर करते हैं तो मैत्री जुड़ जाता है जैसे कृष्णा और सुदामा हस्तगृहित हरी बब्री मातुरा हा बताया गया दोनों हाथ पकड़े थे एक दूसरे के और माँ गुरु माता ने बोला था करके अः काष्ट को भी जंगल में जाकर काट कर लकड़ी को भी हाथ में लेकर एक हाथ में एक कंधे के ऊपर लकड़ी दूसरे हाथ को एक दूसरे का हाथ पकड़े थे इससे एक दूसरे के हाथ पकड़ने से प्रेममय संबंध प्रीति लक्षण पता चलता है और कंधे के ऊपर जो लकड़ी है उससे गुरु सेवा, दोनों होना दोनों होनी चाहिए गुरु सेवा भी करना चाहिए मैत्री भी जोड़ना चाहिए एक भक्त शिकायत किया है मुझे प्रभु जी वो पलाना पलाना भक्त जो है प्रभु जी रात को बारह बजे तक सोता नहीं है लाइट ऑन रहता है वो और उसके फ्रेंड दोनों हा 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 ही 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 हो हु। हंसते हुए आ? वो लोग आवाज बहुत करते हैं हम लोग सो नहीं पाते हैं बारह बजे तक तो मैंने उस भक्त को बुलाया पूछा उसको प्रभु जी मैंने सुना कि आप लोग रात को बारह बजे सोते हो सुबह छः बजे उठते हैं आरती में नहीं आते और का साधना टीचर से करते नहीं क्यों वो मुझे पूछ रहा है प्रभु जी क्या इंपॉर्टेंट आप ही बोलिए साधना इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप है, इम्पोर्टेंट है ऐसे पूछा उसने मैंने बोला दोनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन रिलेशनशिप के लिए किसर किस पुराण में बोला कि तुमको रात को बारह बजे तक रिलेशनशिप के लिए बातचीत करना है तुम दिन में बात करो भक्तों के साथ रात को जल्दी सो जाओ नौ बजे पहले बजे मुझे सो जाना चाहिए तो इस तरह हम लोग कभी कभी मैत्री के कारण कभी समय बहुत इसलिए महाप्रभु ने बोला बाल ग्राम्य वार्ता ना कही वे ग्राम्य वार्ता ना शनि वे गप्पे नहीं मारना चाहिए कृष्ण से संबंधित बात करना चाहिए और मैत्री भावना रक्षण इत्यादि को बढ़ाना चाहिए साथ साथ साधना में भी जोर देना चाहिए तो हम एक दूसरे की कृष्ण भावना सुप्त कृष्ण भावना जगाना वही उद्देश्य है इधर चार चीज परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी बताते हैं हा? तो बता रहे हैं कि अगर आप दूसरे वैष्णवों के साथ सही ढंग से बर्ताव करोगे तो आपको आध्यात्मिक प्रगति होगा अगर आपने सही ढंग से बर्ताव नहीं किया उसे अधोगति होगा ये हमेशा मन में याद रखना चाहिए किसी भी वैष्णव के साथ में अगर सही ढंग से बर्ताव किया तो उन्नति होता है अगर नाराज हो गया मैं उनके साथ झगड़ा हो गया दुखित कर दिया उनको तो अधोगति होता है ये भावना में रखो फिर बता रहे हैं कि अगर आप दूसरे भक्तों के साथ सही ढंग से समझ जोड़ना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको आप मन ही मन सोचो कि, कि किस वैष्णव से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उस वैष्णव को जिस तरह प्रेम करते हो उसी प्रेम को दूसरों में भी लगाओ ऐसे बताते हैं ठीक है मेरे अथॉरिटी कुछ बोल रहा है करो करके मुझे नाराज हो रहा हूं मैं गुस्सा रहा है मुझे लेकिन अगर प्रौपा जी मुझे बोलते हैं मेरे गुरु महाराज बोलते हैं तो करूंगा कि नहीं मैं हां? करूंगा ना इसी तरह अथॉरिटी बोल रहे हैं तो मुझे करना चाहिए हां? इस तरह हमें सोचना चाहिए आ, तीसरा पॉइंट है व्यू ऑल कॉन्फ्लिक्स एज योर ओन फॉल्ट फर्स्ट अगर हमारे और दूसरे भक्त के बीच में झगड़ा होता हो हमें सोचना चाहिए कि मैं पहला कारण हूं दूसरा कारण वो हो सकता है लेकिन मैं पहला कारण हूं ऐसे हमें सोचना चाहिए ऐसे बता रहे हैं इसका मतलब है दोषारोपण मत करो इन्होंने किया उन्होंने किया ऐसे दूसरों को उंगली मत दिखाओ ठीक है झगड़ा हुआ तो मैं पहला कारण हूं वो दूसरा तीसरा कारण हो सकते हैं इससे क्या होगा यू बी द चेंज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन अदर्स आप में परिवर्तन पहले लाओ वो, वो लोग बाद में लाएंगे अगर हम नंबर बनते तो वो लोग नम्र बनेंगे ऐसे बताते हैं ये चौदह पॉइंट है रियलाइज दैट ये बोल रहे हैं कि आपके अंतिम क्रिया जब होगा अंत्येष्टि होगा मृत्यु के बाद उस समय आपके साथ इस मंदिर में जो भी हैं भक्त है, वो ही आ, आने वाले हैं तो क्या सोचते हैं साहब के बारे में वो लोग खुश होना चाहिए नहीं तो रोना चाहिए हाँ प्रहलाद जब भगवाम लौट जाते हैं तो बाकी भक्त लोग रोए होंगे अरे हमारे प्रिय भक्त तो प्रहलाद वापस आउट तो गया भगवत को कुटावास हो गया उनका हाँ तो क्योंकि उनसे इतना प्रेम था उनको अगर ये न मरता तो सब लोग सोचे हाँ थैंक गॉड मर गया अभी आगे हमको तंग नहीं करेगा वो हाँ इस तरह सोचेंगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचना चाहिए अगर हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए तो हम लोगों के साथ अच्छा डीलिंग करना चाहिए हमको ये पॉइंट बताते हैं तो जूनियर के वे साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए बताया गया है इन इन लिविंग लिविंग लाइफ बेस्ड ऑन कृष्णा कॉन्शियस जूनियर लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए बताते हैं कैसे टाइम पर खाना टाइम पर सोना कीर्तन करना शुद्ध शुद्ध रखना सब चीजों को कैसे कुकिंग करना कैसे मृदंग करता इत्यादि बजाना मैनेजमेंट कैसे करना कृष्ण भावना मृत के तत्वों को सिखाना कैसे लेट्रिन बाथरूम को सफाई करना किताब वितरण करना हुँ? और इस तरह प्रचार कैसे करना सीखना उसके लिए इत्यादि जूनियर लोगों को हमें करना चाहिए ट्रेनिंग देना चाहिए उनको लेकिन जूनियर लोगों को शोषण नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम उनसे सेवा लेते हैं तो कर्म आ जाता है हमारे हमारे ऊपर एक आदर्श उदाहरण उनको दिखाना चाहिए उदाहरण दिखाना चाहिए उनको अपने आचार्य को सवार सिखाए अपने आचरण के द्वारा महाप्रभु ने दूसरों को सिखाया गुरुते सिखायाचार्योकर्त कृष्ण भी बताते हैं जो लीडर लोग उदाहरण सेट करते हैं बाकी सारे समाज के लोग उसको फॉलो करते हैं भगवान बोलते हैं तो इसलिए हम लोग अच्छा एक आदर्श उदाहरण दिखाना चाहिए है जैसे हमारी नम्रता हमारे आदर हमारे उत्साह हमारे स्ट्रांग साधना इत्यादि के द्वारा कब जूने लोग सीनियर लोगों से डिस्करेज हो जाते हैं इसका तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि सीनियर से प्रेरणा नहीं मिलता कब जब देखते हैं कि सीनियर लोग पदवी के लिए नाम यश के लिए झगड़ा कर रहे हो नहीं तो सीने लोग हृदय खोलकर कर संग नहीं करते ऊपर ही ऊपर कुछ लोग हरी बहुत हरी बहुत इतना ही संग रखते हैं तो जूनियर को अच्छा नहीं लगता वो सोचते हैं कि मन कोल कर संग नहीं रखते ऐसे ही दंड करने का बस चले जाने का कुछ संबंध नहीं है अगर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हो सीनियर्स अगर सीनियर लोग अपने बारे में बड़ा 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 चला के बोलते मैंने ये किया मैंने वो किया मैं मेरे का समान कोई नहीं कर सकता इस तरह अगर बातें करते हैं उनका अच्छा नहीं लगता जूनियर्स को और सीनियर अगर कुछ गलत किया है लेकिन मान नहीं रहा है क्योंकि मैं सीनियर हूँ कोई लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं दिखाना चाहिए तो मान नहीं रहा हो तो जूनियर को अच्छा नहीं लगता अगर एक वक्त देखते हैं कि मेरे सीनियर जो है वो किसी से मिलजुलता नहीं वो अकेले हो जाता है किसी के साथ समझ नहीं रखता वो वो एक द्वीप जैसे अकेले रहता है तो उनके अंडर में जो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ जानता नहीं इसको इसके साथ झगड़ा करेगा उसके साथ इसके साथ सबके साथ झगड़ा है तो अकेले हो गया तो कैसे उसके जूनियर लोग उसको आदर दे पाएंगे ऐसे बताते हैं और जूनियर ये भी अपेक्षा करते हैं कि सीनियर डिवोटी सुबह के कार्यक्रम में आए नाचे गाए क्लास भी अटेंड करे नंबर रखे सेवा भी करें अगर ये सब सीनियर करते नहीं वो बोलता है कि वो सब छोटू भक्तों के लिए मेरे लिए नहीं हु? तो अगर हरिनाम में भागवत क्लास में सबके उपस्थिति में नहीं हो वो नहीं है उसको जो तो है लोग डिस्करेज हो जाएंगे उससे ऐसे जाता अनेक है अनेक पॉइंट्स हैं इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा हमको लेकिन मैं आपको एक आ... महाराज जी फ्रेंडशिप के ऊपर दिया है पॉइंट्स ये सब दिखा रहा हूँ बाद में आप लोग देख सकते हैं इसको अब ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत तीसरा एटिकट मैनेजमेंट जो हमारे लिए मैनेजर लीडर लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए पिक्चर क्या दिखाता है आते रकाश का मतलब क्या है झगड़ा नहीं करना चाहिए हमको <laughs> इस तरह करोगे कि नहीं इस तरह के मैनेजर को नहीं देना चाहिए नीचे का पिक्चर में क्या दिखाया है तो माइत्र जोड़कर काम करवाना चाहिए भगवान के लिए माई माई थ्रोट इज नॉट वेरी गुड यू कैन ट्रांसलेट द मटेरियल नेचर इज दर्ड ऑफ एक्सप्लाटेशन बट दिचुअल नेचर इज द वर्ल्ड ऑफ सर्विस जो हिंदी में बोलिए जो भौतिक जगत है वहां पे दूसरों को एक्सप्लॉयट करना दूसरों से काम करवा के लेना वो चलता है बट आध्यात्मिक जगत में सेवा भावना होता है सेवा सेवा भावना होना चाहिए हम्म। तो ये शोषण ये बहुत ही दुनिया शोषण की दुनिया है शोषण की लेकिन आध्यात्मिक दुनिया, दुनिया। न, 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 में दुनिया, लोग स्वाभाविक रूप से सेवा देते हैं कोई उनको शोषण नहीं करते हैं कि इनसे इनको कम पैसा देंगे लेकिन ज्यादा काम करवा लेंगे ऐसे कंपनी सोचते हैं और कंपनी में काम करने वाला सोचता है कि कंपनी में मैं थोड़ा कम कसरत करूंगा और शाम के टाइम आकर मेरे खुद का बिजनेस में, में ज्यादा कसरत करूंगा ताकि मैं बाहर भर शाम को आकर और पैसा बना सकता हूँ तो इंसान कंपनी में आराम करता है सो जाता है और घर में आने के बाद अपने खुद का बिजनेस में बहुत कसरत करता है गुरा अलग पैसा है उसको मिलने वाला है तो ये भौतिक दुनिया में दोनों शोषण करते हैं मालिक सेवक को सेवक मालिक को दोनों को ऐसे लेकिन इसकॉन में किसी वक्त को बोले बिना वो सेवा करता है अपने आप आता है सामने आता है बोलता है कि कहू तो जी मैं ये सेवा करूँ क्या वो सेवा करूँ क्या पैसा भी लेता नहीं प्रेम सेवा करता जैसे जयानंद प्रभु ने रथ बनाया जी बहुत खुश हुए आ, अनेक रथ बना कर दिया जयानंद ने दिन रात कसर तो बोला भक्तों को कि रथ यात्रा के दिन जयानंद प्रभु का फोटो रखो उसमें रथ रथ में ऐसे प्रभाजी ने आद, आदेश दी थी भक्तों को हाँ हाँ दामोदर गोविंद प्रभु कैन यू रीड सेकेंड पॉइंट हिंदी में इसकोन एक आध्यात्मिक संस्था है रिगार्डलेस no परिषद एवरीवन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु श्री का तो जो कोई भी भक्त है वो सबसे पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का और शिला का सेवक है तो वन शुड एक्सपाइट हिज पोजिशन फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं के लिए दूसरे को शोषण नहीं करना चाहिए करेक्ट करेक्ट तो इस कान में शोषण का मतलब क्या है जैसे अगर मेरे पास पदवी हो इसका मतलब नहीं है कि मैं जूनियर भक्तों को थोड़ा शोषण कर, 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 करता हूँ जैसे किसी को बोलता हूँ ऐ तुम ये सेवा नहीं करोगे तो दीक्षा नहीं मिलेगा तुमको समझे इस तरह दम के नहीं देना चाहिए किसी जूनियर को इस तरह नहीं तो कभी कभी हम ये भी करते हैं कि कभी कभी जूनियर भक्तों को हम खुद की काम करवा ना उन उनसे इस तरह भी नहीं करना चाहिए शोषण नहीं करना चाहिए ठीक हम है हम मैनेजर हैं अगर कोई मंदिर में कोई मैनेजर है अगर जूनियर भी उसको बोलेगा अरे मेरे कपड़े धो दो कपड़े धोना मेरा गाड़ी की सफाई करना <coughs> नहीं तो मेरे लिए ये करो वो करो इस तरह से शोषण में आता है इस तरह से हम्म दूसरे हा, जूनियर जूनियर करके उसके सर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए हमको हाँ तो उसको आदर देना चाहिए उसको भी ये पॉइंट है हाँ पढ़िए हायर पोजीशन मींस ग्रेटर सर्विस बड़ा पदवी का मतलब है ज्यादा सेवा करना पोजीशन मींस एन अपॉर्चुनिटी टू प्योरली रिप्रेजेंट द गॉड हेंस आवर मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमिलिटी बेस्ड ऑन ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस अभी पोजीशन का मतलब है हम लोग शिला प्रभुपात को दर्शा रहे हैं इसीलिए हाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं करेक्ट करेक्ट तो हम लोग इसलिए क्या होना चाहिए हमारे अंदर नम्रता और सहिष्णुता ये दोनों गुण होना चाहिए इसका मतलब है कभी कभी कुछ मैनेजर लोग सोचते हैं कि अगर हम पदवी में हैं तो हम कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं है बाकी सब लोगों को करवाना है ऐसे वो सोचते हैं अरे चलो तुम आधर ऐसे करो हर चलो तुम आवो इधर वो सेवा करो हाँ सबको सेवा देते दे, अभी जाकर आराम करो बस ऐसा नहीं है चैत्र महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जिन में सबको सेवा दिया खुद भी किया ना उन्होंने अपने लिए एक एरिया ले लिया क्या एरिया लिया था जो महा भगवान की जो गर्भगृह है उसका सफाई किया उन्होंने इस तरह हम लोग दूसरों को भी सेवा देना खुद भी सेवा करना चाहिए और हम लोग हमेशा मैनेजर को सीखना चाहिए कि नम्रता और सहिष्णुता ये दोनों सीखना चाहिए अभाग्यवश मैनेजर लोगों के अंदर थोड़ा अहंकार चढ़ जाता है क्योंकि एक बार ऐसे वृंदावन में हुआ दोपहर के समय एक बजे परिवार राजस्थानी परिवार आया था उधर वृद्ध माता वृद्ध माता जी थी उनके पति भी थे तो उनका बेटा है बेटे की पत्नी है उनके, उनके दो बच्चे हैं सब ऐसे मंदिर के वारांडा में बैठकर गोविंदास गोविंद दास का कुछ प्रसाद का रहे थे वो लोग ऐसे तो एक वक्त जो एक बजे हो गया दर्शन बंद हो गया तो एक व्यक्ति होश पाइप लेकर सारे तो मंदिर में वो पानी डालकर सफाई करने का सेवा उसका था वो टेम्पल कमांडर था वो नाव कर उनको बोला कि सब अभी पाना पानी डालो सफाई चालू कर दो ये परिवार बैठा था तो ये उधर जाकर उनके पास निकल गया बोला कि हाय लोग उठ जाओ उठ जाओ हमारा सफाई चालू हो गया हमारा ऐसे बुलाओ तो वो परिवार को अच्छा नहीं लगा ऐसे ऐसे प्रसाद खा रहे हैं वो लोग उठ के उठ के अभी किधर बैठेंगे अरे उधर भी पानी इधर भी पानी बैठने के लिए जगह नहीं है तो जी ऊपर से देख रहे थे तुरंत टेम्पल कमेंटर को बुलाया <laughs> अपने कमरे में बुलाया। तो बाबा जी बोले हैं टेम्पल कमांडर डजेंट मीन यू आर कमांडर ऑफ द होल वर्ल्ड टेम्पल कमांडर का मतलब नहीं कि सारे दुनिया का तुम कमांडर हो गए अभी हाँ। थोड़ा नम्रता चाहिए में हाँ। देखो मासूम परिवार भगवान के दर्शन के लिए आए हैं वो लोग अच्छे कानदान कांदा है साथ ले रहे थे उनको पाकिस्तान सफाई करो वो लोग आकर देखेंगे कि तुम सफाई करो वो लोग उठकर कर चले ही जाएंगे उनका अगर पाँच मिनट लगता है तो वेट करने में क्या प्रॉब्लम है वो बोला राहुलपाल अगर आपको मेरी सेवा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ आप इस सेवा को किसी और को दे दीजिए ऐसे बोला उसने तो राहुल बोले नहीं नहीं मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि रिजाइन करो तुम तो नम्र बनो प्रेम से बोलो उनको हाथ जोड़ बोलो कि हम लोग सफाई कर रहे हैं थोड़ा कोने में बैठ सकते हैं क्या आप नहीं तो टेबल के ऊपर सब लोग बैठ करके आइए इधर हम लोग नीचे पानी डाल रहे हैं चलेगा क्या नहीं तो हम लोग पांच मिनट ब्रेक करते हैं आप पूरा होने की बात करते हैं जो भी हो प्रेम से बात करना चाहिए ऐसे बोले प्रप्पा जी ठीक है वो भी मान लिया ठीक है प्रोपा जी आई विल बी केयरफुल पापा जी तुरंत बोला को परिवार को मेरे कमरे में लेकर आओ मैं मिलूंगा उनको थोड़ा शांत कराऊंगा पापा जी बोले तो नीचे वो गया वो लेकिन वो परिवार चला गया था थे नहीं उधर आकर बोला प्रभू जी को प्रभू बोला ठीक है नो प्रॉब्लम शाम के टाइम वो लोग दर्शन के लिए वापिस आए थे तुरंत भागा प्रभाजी के पास प्रवपाजी। प्रवपाजी को अभी आए हैं प्रभाव बुला उनको तो उनके कमरे में लेकर गए पापा के कमरे में सबके साथ प्रेम से बात किया मुस्कुराते हुए सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया बच्चों का आशीर्वाद दिया पापा सर तो उसके बाद सब अच्छा चले गए तो प्रभा जी से हम लोग सीखना चाहिए कैसे एक साधु को मंदिर में लोग आ रहे हैं उनके साथ प्रेम से डीलिंग करना चाहिए व्यवहार पिक्चर में देखिए वो है आदमी बड़ा है लेकिन बच्चे को कैसे वो आदर दे रहा है देखिए हमें सीखना चाहिए से और नीचे दिखाए हैं किस तरह डीलिंग नहीं करना चाहिए वो भी दिखाए हैं ट्रीटिव यंगर ब्रदर्स आपके जूनियर को छोटे भाई जैसे डीलिंग करो इस तरह से जो पिक्चर में दिखाए हैं गलत तरीके से ऐसे भी डीलिंग मत करो पांचवा पॉइंट है दा? आपके जो लीडर बनते हो आप मैनेजर लीडर ये आपके आध्यात्मिक योग्यता के ऊपर निर्भर होना चाहिए ये कुछ भौतिक चीज़ नहीं है ये भगवान भगवान और गुरु की इच्छा से आपको एक मौका मिला है आध्यात्मिक संस्था में एक इस तरह का लीडरशिप रोल देने के लिए मैच्योर डेडिकेटेड टीचर मेक्स द बेस्ट लीडर एक परिपक्व और शरणागत प्रचारक जो है वो ही सबसे पक्का लीडर बन सकता है वो परिपक्व भी होना चाहिए लोगों के साथ डीलिंग करने के लिए हाँ डेडिकेटेड मतलब शरन, बहुत शरणागत प्रचारक है वो हम्म इस तरह है तो हमें लीडरशिप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए ऐसे बताते हैं इसका मतलब क्या है प्रताप रुद्र भी नेता था वो सारे उड़ीसा का है फिर भी वो झाड़ू मारा भगवान के रथ के समक्ष तो अपने अपने आपको बोला कि महाप पूछा तुम कौन हो वो बोला राजा कहे हम हाँ, तुम दासु दास हाँ, मैं आपके दासों का दास हूँ महाप्रभु वृत्य करी यही मोर आश हाँ, आप आपके सेवकों का सेवकों का एक सेवक बना लीजिए मुझे ऐसे <laughs> बोला बोला नहीं कि महाप्रभु आपने पूछा मैं कौन हूं मैं उड़ीसा का राजा हूं ऐसे नहीं बोला उन्होंने हाँ। वो बोला कि राजा कहे हमें प्रभु दास दासहरान आपके दासों का दास हूँ तो यह मैं मे, मेरा एक ही आशा कि आप, आप स्वीकारेंगे मुझे हा? आपके सेवकों के सेवक के रूप में तो ये राजा का महाराज भी ऐसे ही थे नम्र भावना एकदम राजा के पास व्यवहार में ऐसे इतना ही नहीं वो राजा सोचता था कि मैं राजा पद मुझे दिया गया है किसके लिए सेवा करने के लिए बस अहंकार को चढ़ाने के लिए नहीं हा? तो इसलिए महाप्रभु के और बाकी भक्तों की व्यवस्था किया उन्होंने ठहरने की व्यवस्था किया उन्होंने और करके प्रसाद की व्यवस्था किया ठहरने की व्यवस्था किया सब कुछ प्रेम से है प्रताप रुद्रा युष्ठ महाराज अम्बरीश महाराज ये सब उदाहरण है तो हम लोग संघ के बाहर क्यों चले जाते हैं उसका मूलभूत कारण है रजोगुण और तमोगुण रजोगुण तमोगुण में हम लोग ये झगड़ा झगड़ा में जुड़ जाते हैं वो समस्या है अहंकार आ जाता है तो भागवत के दक्ष प्रजापति के सेक्शन में सती माता ये नीचे दो बॉक्स दिया मैंने एक येल्लो बॉक्स रेड बॉक्स देखा आपने महत् महत्तर महत्तम अति महत्तम ऐसे बता गया कि महत् जो होता है वो अच्छाई बुराई देखता है और बुराई के बारे में बोलता है भक्त को लेकिन उसका मन में देश मात्र भी आ, कलमश नहीं है वो भक्तों को प्रेम से समझाएगा अपना बना कर समझाएगा उसको वो बोलेगा कि देखो आप ये करोगे ना आपके लिए बहुत अच्छा है आप प्रगति भी होगा आपको आपके गुरु महाराज भी खुश हो जाएंगे इस तरह प्रेम से समझाएंगे वो है ऐसे तो ये महातरा महातारा का मतलब है वो अच्छाई ही बुराई में सिर्फ अच्छा ही देखेगा वो बुराई को छोड़ देगा वो अच्छाई के बारे में ही बोलेगा वो आ? और महत्तम का मतलब है चोट अच्छाई को लेकर वो बड़ा करके बोलेगा वो आ? आ? जैसे मां प्रेम से बोलती है देखिए देखिए प्रभु जी मेरा बच्चा वो है ओम लिखा है मैं देखा स्लेट में वो ऐसे चाक भी लेकर ऐसे बड़ा बड़ा गोल गोल सर्कल बनाया वो मा बोलते ओम दिखा वो क्योंकि प्रेम की आंखों से वो देख रही है इसलिए उनको लग रहा है कि ओम दिखा वो इस तरह ये महात्मा वक्त ऐसा की एक छोटे चीज को लेकर बड़ा करके बोलेगा ऐसा किया उन्होंने अति महात्मा जो है इतना पहुंचा हुआ वक्त है वो अगर एक वक्त में कुछ भी गुण नहीं हो उधर भी गुण देखेगा वो जैसे अति महात्मा के पास जाकर पूछे वो बोलेगा भाभी ये आदमी जो है कितना सज्जन है बोलेगा आप बोलेंगे सज्जन है वो चोर था रात को वो बोलेगा चोर है लेकिन देखो मेरा पर्स निकाल लिया उसने लेकिन उसके हाथ में बड़ा अच्छा था मारना तो मुझे मार सकता था ना मारा नहीं ना इसलिए मैंने बोला कि वो सज्जन है ऐसे बोलेगा वो अति महात्मा ऐसा है जिनके अंदर अनेक दोष भी हो दोष नहीं देखता वो बड़ा अच्छा ही देखता हो अति महात्मा अच्छा ही ना होने के बावजूद भी वो अच्छा ही देखेगा उसमें ऐसे और नीचे जो बताया गया असाधु असाधु असाधुतम अत्यसाधुतम असाधु का मतलब है अगर आप बोलेंगे उसको वो दोष को ही देखेगा अच्छा ही नहीं देखेगा वो असाधु और असाधु तरह जो है वो दोष भी देखेगा अगर आप कुछ अच्छा ही दिखा दिया उसको आपने अपने आप बोलेंगे देखो ये लड़का आया है अभी ये एक महीने पहले आया इतना उत्साह से कूद रहा है कीर्तन में देखो ये क्या बोलेगा असाधु तरह अरे तुम क्या बोल रहे हो एक महीने का बच्चा है और चार साल के बाद देखो इसका उत्साह सब सुख जाएगा उतरे उतर आएगा नीचे हम जैसे बन जाएगा ऐसे बोलेगा वो असाधुरा बोलते हैं उसका मतलब है आ, अच्छे लोगों में भी बुराई देखता वो ऐसे है? और असाधु तमा जो है वो छोटे दोष को लेकर इतना बड़ा करके बोलेगा वो हाँ वो बोलेगा कि देखिए चींटी आ रहा है, है? वहां पर कमरे से रामचंद्र भी बोल रहा था देखो 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 चिंट आ रहा का मतलब क्या है अंदर कुछ तो स्वीट होगा ऐसे वो बोल रहा वो कुछ कुछ मौसम में अनेक चिंटी छिद्र भूमि के छिद्र से बाहर निकल आते हैं स्वीट कारण कारण नहीं है फिर भी वो वो अति असाधुतम ऐसे दोष देखने वाले ऐसे असाधुतम कौन है अच्छे लोगों में भी वो बुराई देखता है जैसे उदाहरण के लिए हाँ बोलेंगे ये जो मालूम है लाइफ में अरे ये हर साल आ जाता है जन्माष्टमी के दिन और पूरे प्रसाद पांच लाख हो दस लाख को स्पॉन्सर कर देता हो। अच्छा है वो तो इतना अच्छा आदमी है तो मैं क्या बोलेगा अरे ये क्या बड़ी बात है आता है साल में एक बार आता हो बस बाकी समय क्या करता है सोता हो। है वो ऐसे बोलेगा है? अच्छे अच्छा कर रहा है वो सेवा उसको देखेगा नहीं वो है? तो हम लोग महत्महतर महात्तमा ऐसे बनना चाहिए

सबसे शुद्ध है उनके संग होगा मुझे जो विजय प्राप्त होगा जय अर्जुन है मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए लेकिन दुर्योधन देखिए सोच रहा है ये कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा कुछ काम करने का में ये तो युद्ध नहीं करेगा आयुध नहीं उठाएगा मूर्ख अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया नहीं लेकिन मैं ऐसे मूर्ख नहीं हूँ नारायण सेना ले लूंगा हाँ और वो सेना मिल जाएगा मेरे पास लवाना है ये ग्यारह अक्षर ही है साथ में जुड़कर देखो हमारे हम पूरा उत्पाद मचा देंगे पांडवों को मिटा देंगे हम पांडव मर जाएंगे हम हम जिएंगे हम शासन करेंगे ये मिटिल कैलकुलेशन है दुर्योधन का आप जो देख रहे हैं लीडर्स फील फॉर लीडर लोगों को अपने अनुयायी जो हैं उनके ऊपर ऐसे संबंध होने चाहिए कि उनके दुख को अपना दुख मानना चाहिए पर दुख दुखी तब जैसे प्रभा जी बैठे हैं शांति से बात कर रहे हैं सब भक्तों के साथ प्रेम से और राइट साइड में देखिए नो और यस दिखाया देखिए, नो का मतलब बॉस बैठ कर सबके ऊपर चला रहा है तुम ये करो वो करो लेकिन बॉस खुद भी खींच रहा है गाड़ी को वो सही है hmm. लीड द फ्रंट hmm. देखिए मोदी जी दिखा, दिखाया गया इट इज इंपॉर्टेंट टू तो लीड विद डिटैचमेंट अन गाइड विद्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी हमें अनाशक्ति के साथ हमारे तो पदवी को के जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ये मोदी जी बोल रहे हैं एक इंटरव्यू में दुनिया के लोगों के आंकों में मैं प्रधानमंत्री हूँ नहीं तो मैं मुख्यमंत्री हूँ इस तरह लोग सोचते हैं तो लोग बड़े मानते हैं उस पदवी, पदवी को लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है मेरे दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का पदवी लोगों को सेवा देने के लिए ये एक मौका है बस और वो बोल रहे हैं कि मैं दुनिया के बड़े बड़े पावर ग्लिटन ग्लैमर 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 मैं दिखावा दाम्भिकता इससे में बचकर रहता हूँ और इसके कारण मैं साधारण जनता जैसे सोच पा रहा हूँ और मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूँ और बोल रहे हैं कि मुझे पदवी दिया जाए नहीं तो नहीं दिया जाए जो सेवा मैं कर रहा हूँ वो सेवा तभी भी मैं करूँगा देश की बला के लिए पक्का फिलासफी है भगवद गीता का ही है ये <laughs> जो बोल रहे हैं गीता क्योंकि अनेक संतों के साथ संग करते हैं इसलिए उन्होंने सही चीज़ सीखा है इसका मतलब हमें ऐसी से सेवा करनी चाहिए मानो उसका रिजल्ट हमारे हाथ में हो लेकिन हमें मन में समझ लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट भगवान के हाथ में है एक कहना सकती के साथ करना चाहिए जैसे अर्जुन का भी उदाहरण दिया गया पिक्चर में दिखाया कृष्ण अर्जुन करेक्ट है कर ना कृष्ण अर्जुन मैनेजमेंट इज ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक देखिए दो चीज पापा जी बता रहे हैं इधर डेमोक्रेटिक का मतलब इधर देखिए सब लोग टेबल में सर के में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्या करनी चाहिए आ, ऐसे इस तरह है हमारी टीम के लोगों के पास जो एक्सपर्टीज है उसको भी लेना चाहिए अलग अलग लोग अलग अलग कोई ऑर्गेनाइज करने में बड़ा एक्सपर्ट है कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है हा? कोई अनाउंसमेंट करने में बड़े एक्सपर्ट है रथ यात्रा में ऐसे इस तरह जिसके पास जो एक्सपर्टीज हो उसको लगाना चाहिए दूसरा है बींग गुड फैसिलिटेटर अगर आपके पास टी एम सी हो दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो लोग साथ में आकर मिलजुल कर मिल एक निर्णय ले सक ले सकते हैं और रेस्पेक्ट भी ओपन माइंड का मतलब है ठीक है मेरे पास एक आइडिया है अगर एक आइडिया आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपका आइडिया सुनने के लिए आया हूँ आपका सोचना क्या ऐसे पूछना या और समझना कि क्या इम्पोर्टेंट है और आ, अकेले निर्णय मत लेना या। जैसे माँ और बच्चा पिक्चर दिखाया गया वो दोनों साथ में निर्णय ले रहे हैं नहीं तो कभी कभी क्या होता है बच्चा सोचता है कि माँ मुझे फोर्स कर रही है ऐसे सोचते हैं तो इस तरह से ये सब डेमोक्रेटिक लीडरशिप है और लेफ्ट साइड में दिखा गया है ऑटोक्रेटिक देखिए स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन कमांड बाय द लीडर जो बोला सो करो सब लोग छोप छाप आप लोग सुनो मैं जो आदेश देता हूँ वही करो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम सब लोग बुद्ध हो सोचने की क्षमता नहीं आप में इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको करो ये गलत बात है उस तरह की बातें नहीं करना चाहिए लोग अच्छा नहीं लगेगा वो और क्रेटिक में यह भी होता है कि लीडर अलग होकर हट कर रहता है सबके साथ मिलजुलता नहीं है वो और वो जो भी काम करवाता है स्ट्रक्चर्ड होता है मैं अधिकारी हूं आप लोग मेरे नीचे हो मैं ऑर्डर दूंगा आप लोग करो इस तरह का बात करता है तो बोला दोनों चाहिए उनको ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मतलब क्या है लोगों को फ्रीडम दो सुझाव लाने के लिए उनको प्रेम से उसकी पूर्ति भी करो हो सकता है तो अंतत अथवा सब लोग साथ में आकर कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं तो उस गलत दिशा को रोको रोक कर ऑटोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक बोल जाए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए ये कर सकते हैं या नहीं करने चाहिए कर सकते हैं तो वो क्लियरली बोलना चाहिए वो ठीक है ओपन न्यू आइडिया वक्तों के साथ बात करो देखिए दो पिक्चर को देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पिक्चर राइट साइड पिक्चर को देखिए को कोई हाथ ऊपर कीजिए नहीं नहीं साक्षी को पहले भी बोला है मैं और किसी से सुनना चाहता हूँ वही दो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं हमेशा और कोई वक्त होने चाहिए जो बोलेगा ठीक बोले है जगदीश बाबू बोलिए और शिवराम साइड में ये सब अपने अपने आइडियाज है विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं और सब डिस्कस करके एक मत हो रहे हैं का रहे। और, आ, हैं और है वो सब सब अपने 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 आइलैंड में हाँ। में अलग अलग बैठे हैं। हाँ। आ, सब अगर ने साथ ने में लाएंगे तो होगा लेकिन साथ में नहीं आ रहे हैं बोलिए ब्रजली माता जी और लक्ष्मण प्रभु तो दोनों बोलिए हाँ जी दंड प्रणाम धन्यवाद जब चाकल में इधर कोई प्रोग्राम होता है या हमारे बिल्डिंग में भी हम वगैरह करते हैं तो हमको लेते और ऐसे नहीं बोलते कि हमको यही आइटम बनाने हम सबको बोलते कि आप बोलो कि हम क्या बना सकते हैं तो हम सबका सबका आइडिया सबका आइडिया लेकर आप आप, आ, आप एक मेनू मेनू बनाते हैं आप करेक्ट है ना सबका आइडिया लेकर आप मेनू बनाते हैं यस yes, प्रभु जी और सब फिर बाद में डिसाइड करते हैं ऐसे नहीं बोलते कि यही बनाना चाहिए यही होगा तो हमको हमको लगता है कि वो हमको भी थोड़ा ये दे रहे ज्यादा काम करते Correct. और उससे सब वक्त लोग खुश होते हैं हमने आइडिया दिया उसको सुना लोग बाद में भी आइडिया देंगे वो लोग तो आइडिया देने वाले लोग बाद में पैसा भी लाएंगे अगर हम आइडिया सुने बिना हम खुद ही नहींने लेते हैं लोग ना, नाराज हो जाते हैं करेक्ट थैंक यू और लक्ष्मण को हाँ पहले वाले में क्या है कोलैबोरेशन है सब मिलके कर रहे हैं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं कर रहे हैं करेक्ट जो थॉट प्रोसेस है दूसरे में बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है एंड दे आर हाइडिंग फ्रॉम ईच अदर वर्किंग इन साइलोस एग्जैक्टली बता दिया आपने सही बता दिया इसलिए हम पहले वाला मॉडल फॉलो करना चाहिए राइट डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम वैष्णवस वैष्णव से कुछ छुपाओ मत पाना फिर बाद में प्रॉब्लम होगा कुछ लोग सीक्रेटली एक अकाउंट खोल देते हैं अगर छः लोग हैं आपके टेबल मैं काउंसिल में अगर उसमें दो लोग आकर बोलते हैं अरे हम दो लोग अकाउंट खोलते हैं जो भी डोनेशन लाता है ना उसमें डाल देते हैं और हम जनता के कल्याण के लिए प्रसाद वितरण करना चाहते हैं मंदिर में सब टीएम से साथ में आकर मना करते हैं तो हम लोग कुछ अच्छा कार्य करेंगे उस पैसे से अगर नया अकाउंट खोल देते हैं दो लोगों के नाम में बाद में वो खुल जाता है लोगों को पता चलता है बाकी अधिकार लोग सुनेंगे जी बी तक चला जाएगा और इन दोनों को नौकरी आपको एम से उतार देंगे उनको बोलेंगे कि अरे तुम आपका प्राइवेट अकाउंट बना लिया इसका के नाम में आप लोग धोखाबाजी कर रहे हो निकल जाओ बोलेंगे वो बोले नहीं नहीं महाराज जी मा, मा, आप लोग समझिए हमारा इंटेंशन अच्छा था वो बोलेंगे इंटेंशन क्या होता है तुम ऐसे अकेला अकाउंट खोल कर खुद की पैसा खुद के पॉकेट में डाल रहे हो इसलिए आपको दंड है निकल जाओ ऐसे बोलेंगे हाँ तो इस तरह का कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए वैष्णव को इधर छुपा रहा है इंद्र घोड़े को लेकर भाग रहा है वो पृथ्वी लीला में हाँ। बोलिए पढ़िए बारह वाला हेडिंग हेडिंग पढ़िए हेडिंग कोई शुड बी मोर देन वन साइनर फॉर बैंक अकाउंट्स बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा

उसको चलान डालकर रिलीज करके ही पैसा आने के बाद ही खर्चा करना चाहिए इसमें थोड़ा आलसीपन होता है भक्तों को लेकिन आलसीपन को छोड़ देना चाहिए हर हर पैसा बैंक अकाउंट में जाकर ही आना चाहिए तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है हुँ? हर बैंक अकाउंट के लिए कम से कम दो होना चाहिए हा? दो लोग होना चाहिए वो एक पैसा एक व्यक्ति का हाथ में अगर भक्त का आई मीन दिमाग भी बिगड़ सकता है कभी बहुत पैसा देखकर

आज थोड़ा लेट चालू किया तो आप लोग लगातार आते जाइए हाँ बोलिए प्रभु एक प्रभु जी अपने कहा था कि हमने नकल करना नहीं चाहिए गुरु की या वरिष्ठ वैष्णव की आ, लेकिन ऐसा होता है कि अभी मेरा खुद का कि महाराज का मैं कीर्तन सुनता हूँ बार बार इसके लिए वो सुन जो टून है

जी हरे कृष्णा बहुत ही अच्छा क्लास था हरे कृष्णा मुझे एक प्रश्न है मेरा एक ने मेरे मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि जो अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करने का टॉपिक था तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि प्रोजी तो जब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था जो मेरे इमीजिएट काउंसिलर थे उनके साथ कुछ जैसे कैरेक्टर इश्यूज कुछ ऐसा हो गया और उनके ऊपर बहुत विश्वास था उनका तो वो इस से चले गए विश्वास टूट गया तो उसके बाद उनको किसी भी सीनियर रहता है। आ, लेकिन वो इतना अंदर से हृदय से नहीं हो पाता है। correct, correct. तो क्या करना चली चली चली? मन में उनको लगता है कि सब लोग ऐसे ही है जी 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 ये तो क्या उनको आप समझे की बोलिए की अगर आप दांत में दर्द हुआ एक डॉक्टर के पास गए वो आपका दांत रिपेयर करते करते दांत को तोड़ दिया वो ठीक डॉक्टर नहीं था वो सारी सारी बोल रहा आपका आधा दांत तो आधा टूट गया मैं आपको ऑपरेशन कर रहा था तो आधा टूट गया सॉरी तो आपको एकदम गंदा दिखता अच्छा नहीं दिखता है दांत टूट गया तो क्या बोलेंगे कि अरे दुनिया में सब डेंटिस्ट लोग दांत तोड़ने वाले हैं किसके पास मत जाओ अगर हम ऐसे बोलेंगे तो दांत को रिपेयर कैसे करेंगे हम हाँ इसलिए हम उसको बोलना चाहिए कि अगर बसंत ठाकुर एक कहानी बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक प्लेट में खाता था तो एक दिन उसका प्लेट घूम गया बोला कि जब तक मेरे प्लेट नहीं मिलता मैं नहीं खाऊंगा हो सकता है क्या ऐसे अगर प्लेट नहीं मिला तो नया कर दो खाओ <laughs> एक भक्त के साथ ये नहीं हुआ तो अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ वो उसका कुछ गलती हुआ सीनियर का ऐसा नहीं सोचना कि सब सीनियर ऐसे ही है वो नहीं सोचना चाहिए कैसे तो आप समझा सकते हैं उसको एक्चुअली होता है दुर्भाग्य है कि कभी कभी कुछ सीनियर वक्ता कुछ गलत उदाहरण पसंद करते हैं तो एक एक लड़का था एक मंदिर में उसके सीनियर अगर कुछ बोलते हैं तुरंत नाराज हो जाता था और आग जैसे हैं। है सीनियर बड़ा आश्चर्य हुआ क्यों ऐसा है क्योंकि बाद में पता चला कि ये लड़का ऐसे घर से आ रहा है जो उनके पिताजी ने बहुत पिटाई किया उसको बहुत कंट्रोल किया उसको फ्रीडम में ही छोड़ा अभी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया उसको डॉक्टर के पास लेके गए बाद में वो ब्रह्मचारी बना वो किसी मंदिर में है तो वो अभी कोई भी अथॉरिटी उसको बोलते हैं ऐसा मत करो तुरंत तो उसको पिताजी के याद याद आ जाता है उसको अरे मेरे बाप ऐसा ही बोलता था वो मैं मना करूंगा वो जो बोलेगा मना करूंगा ऐसे <laughs> इस तरह तो ऐसे एक बार एक गाय ने आग में पड़ गई आग स्पर्श करके गाय चिल्लाने लगी बाद में कहीं भी लाल देखती थी वो तुरंत उसको आग का स्वरण आता था उसको इस तरह कुछ लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता आप उसको बोलना चाहिए अरे सब भक्त ऐसे नहीं है आग? और उसका अनुभव होगा एक से तो उसका सही मार्गदर्शन मिल जाएगा ठीक है ना अभी दो तीन लोग हाथों पर गए हैं जगदीश गौरंग प्रभु और रसिक गोन्द को मेरा विनती है कि आप लोग तुरंत लिख लो प्रश्न आपका और रखना आपके पास अगले हफ्ते आपके प्रश्न के साथ ही मैं प्रश्न को पूरा दूंगा पूरा करूंगा अगले हफ्ते ठीक है तो क्योंकि भक्तों को बहुत देरी हो जाएगा अभी लगभग लग, फोर ट्वेंटी हो गया है और आप लोग मत जाना रसिक गोविंद प्रभु और जगदीश गौरांग प्रभु आप दोनों लिख कर या तो भेज दीजिए मुझे एडवांस में ऑर्गेनाइजर को आइए तो कृपा प्रभु ये yes, दोनों आपको प्रश्न भेज सकते हैं आपके पास एक निगड़ी के भक्त sure. थे एक निगड़ी के थे दूसरा जगदीश प्रभु थे तो sure. उनसे गोविंद प्रभु तो वाराणसी के हैं और एक तो निगड़ी के एक भक्त थे तो जगदीश गौरांग प्रभु तो हैं तो उनके प्रश्न को sure. आप लेकर मुझे ईमेल में भेज देना तो अगले क्लास में मैं इसको जवाब देते समय ये प्रश्नों को प्रायोरिटी दूंगा मैं ठीक है sure. గౌర్భక్తృందకీ వాంఛా కల్పకలు కృపా సింధుభ్య పథిం పవన్ వైష్ణ్యో నమో వైష్ణవ బృందకి